आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यक्रम की आज जो पहली कड़ी है, जिसमें हमारे साथ जुड़ गए हैं आज नितिन त्यागी जी। आप JS हिंदू PG कॉलेज अमरोहा उत्तर प्रदेश में शिक्षा शास्त्र विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं और शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए हैं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा, अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में, लिखित परीक्षा में आपने शिक्षा शास्त्र विषय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 2017 का ये विज्ञापन था और इसके पहले भी आपने एजुकेशन सब्जेक्ट में, PGT एजुकेशन सब्जेक्ट में 2011 में और 2016 में टॉप किया है। आप एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट और एजुकेशन सब्जेक्ट से JRF क्वालिफाई कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो भी आपने क्वालिफाई किया हुआ है और अच्छा खासा आपको अनुभव है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, विशेष रूप से एजुकेशन सब्जेक्ट में। तो आपका मार्गदर्शन उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो कि इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की भर्ती परीक्षा हो या किसी और भी स्टेट की। लगभग रणनीतियां एक ही तरह की होती हैं। जब आपसे हमारी बात हुई, हमने नितिन त्यागी जी को शुभकामनाएं दी और टीचर एजुकेटर्स की कम्युनिटी में स्वागत किया। मेरा बहुत दिन से परिचय नहीं है इनका, लेकिन आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि आप मदद करने के लिए, गाइड करने के लिए सहर्ष तैयार हैं, आपने समय दिया। उनका मैं स्वागत करता हूँ टीचर एजुकेटर्स कम्युनिटी की ओर से, सारे मेंबर्स की ओर से। वो आए और इस वर्चुअल मंच पर आप सभी का मार्गदर्शन करें। साथ ही साथ मेरा पार्टिसिपेंट से, ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, आप चैट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें और जो आपके मन में प्रश्न आते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे उनको कंसीडर करें या नितिन जी तक रखें। हालांकि समय की मर्यादा है, इस बार नहीं हो पाएगा तो हम फॉलो अप सेशन भी कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आप जरूर लिखें। नितिन जी स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? हाँ हाँ एकदम साफ आ रही है, शुरू करें। हाँ, मैं सर्वप्रथम आदरणीय सोमू सर आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। और हमने पिछले वर्ष भी देखा था कि जिस समय कोरोना की शुरुआत हुई थी, चारों तरफ भय व्याप्त था, स्कूल कॉलेजेस, पहली बार ऐसा हुआ कि सब बिल्कुल बंद हो गए, कोचिंग सेंटर बंद हो गए, उस समय भी आपने ये ज्ञान यज्ञ शुरू किया और भारतवर्ष के लगभग सभी विद्वानों को आपने अपने इस मंच पर आप लेकर आए और छात्रों के हित के लिए आपने एक अच्छा प्रयास किया। पुनः इस बार दोबारा ये कोरोना आ गया है इस बार और फिर से स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए हैं, तो आपकी ये जो पहल है मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ और ये दर्शाता है कि आप अपने इस शिक्षा क्षेत्र के लिए कितने समर्पित हैं, छात्रों के कल्याण के लिए कितने समर्पित हैं। मैं आपको इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि आपकी इस चर्चित और प्रसिद्ध श्रृंखला का आज पहला दिन है और जिसमें अभी विशिष्ट विद्वान आने बाकी हैं और आपने प्रथम दिन ही मुझे इसके लिए आमंत्रित किया, तो पहले दिन का ये मेरा अनुभव उस मंच पर जिसको मैं खुद सुनता था पिछले वर्ष, विद्वानों को मैंने सुना, उस पर पहले दिन का आमंत्रण मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं जो जुड़े हुए साथी हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये जो माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंट्रैक्शन तो नहीं है लेकिन मैं ये लेक्चर का माध्यम है, तो ये थोड़ा अभी हम इसके अभ्यस्त कम हैं और कक्षा में लेक्चर देना, इंट्रैक्शन करना, आई कांटेक्ट करना, छात्रों के प्रश्न पूछे जाना, उन सब का ही अनुभव था। तो ये पहला अनुभव है कि जिसमें मैं खुद को ही देख रहा हूँ और मैं अपनी बात कह रहा हूँ
आप सब मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूँ, और आप क्या सोच रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं, वो इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा, ऐसे में थोड़ी असहजता हो जाती है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं। जो आज हम जिस पे बात करने वाले हैं, इस प्रस्तुत लेक्चर के व्याख्यान के 3 या 4 पार्ट होंगे, तो जिसमें सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। इस परिचय का उद्देश्य मेरा खुद का महिमा मंडन करना नहीं होगा, बल्कि आप लोगों को अपनी वस्तु स्थिति जिसमें रहकर मैंने तैयारी की उसके बारे में कुछ दृष्टि प्रदान करना होगा। फिर मैं आपको अपने कुछ अनुभव बताऊंगा, और इस लेक्चर से पहले कल मैंने अपने कुछ साथियों से, विद्वान साथियों से कुछ सुझाव आमंत्रित किए थे कि एक प्रतियोगी के रूप में आप इस लेक्चर में क्या सुनना चाहेंगे, आपके क्या प्रश्न होंगे, आप क्या पूछना चाहेंगे। तो बहुत सारे मित्रों ने मुझे बहुत सारे प्रश्न भेजे कि यदि आप अपने लेक्चर में इनके उत्तर दें तो तैयारी करने वालों को बहुत लाभ होगा। तो वो मैंने लिखे हुए हैं, उन प्रश्नों के माध्यम से भी मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा। तीसरा, इसमें मैं लास्ट में मैं परीक्षा के दौरान एक प्रतियोगी के क्या व्यवहार होने चाहिए, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। तो कुल मिलाकर तैयारी करने से लेकर ट्रेन के सफर, होटल में रुकना, परीक्षा केंद्र के बाहर, परीक्षा कक्ष और परीक्षा देकर घर वापस आने तक के व्यवहारों की मैं चर्चा करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम तो सब आप जानते ही हैं, सर ने भी परिचय दिया है। मैं नितिन त्यागी, हापुड़ के पास एक छोटा सा गांव खड़खड़ी का रहने वाला हूँ। मेरी सारी शिक्षा दीक्षा गांव में रहकर ही हुई है। मैं कभी हॉस्टल में रहकर नहीं पढ़ा, कभी शहर में रहकर नहीं पढ़ा। पिताजी के साथ गांव में खेती के काम में हाथ बटाते हुए मैंने अपनी सारी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। यह बताने का उद्देश्य यह है कि आपको यह ना लगे कि नितिन त्यागी को कुछ विशिष्ट माहौल मिला होगा, कुछ ऐसी चीजें मिली होंगी जिससे उन्हें पढ़ने में और ये टॉप करने में कोई सफलता मिली होगी। तो मैं गांव में रहकर पढ़ा हूँ और हापुड़ के पास, हापुड़ में ही डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ। BA MEd मैंने मेरठ से किया है, बाकी की सब पढ़ाई मेरी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से ही है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि मैं 8 बार NET हूँ, 3 बार JRF हूँ। सर बता ही चुके हैं कि मैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का सेट क्वालिफाइड हूँ। ये सब सारी जो योग्यताएं हैं मेरी गांव में रहकर ही हुई हैं। सुबह सवेरे सब गांव के जो काम होते हैं वो करने, 11 बजे तक मैं सारे काम समाप्त कर लेता था और उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ जाता था। शाम को गाय भैंस का दूध दोहना और उसके बाद फिर मेरा पढ़ाई का शेड्यूल रहता था। इस सब के दौरान भी मैं खेलता भी था, मित्रों से भी मिलता था, लेकिन फोकस्ड था अपनी पढ़ाई पर। तो ये मेरा परिचय था, और मैं बताना चाहूंगा कि कैसे आप एक विचार को लेकर उस विचार को व्यवहार में लाते हुए और उसमें कितनी सफलता अर्जित कर सकते हैं। ये मैं जो शुरुआत हुई इसकी, ये स्वामी विवेकानंद जी की एक कोटेशन मैंने एक बार पढ़ी थी, उससे हुई थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये शायद दिख रही होगी, स्वामी विवेकानंद जी बने हुए हैं, शायद आप पढ़ तो नहीं पाएंगे लेकिन मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें लिखा है, कोई एक विचार चुन लो, उसी को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसका सपना देखो, उसके साथ जियो, अपने दिमाग, मांसपेशियों, स्नायुओं, शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भर जाने दो, बाकी सभी विचारों को पीछे छोड़ दो, यही सफलता का रहस्य है। इसी तरीके से आध्यात्मिक महापुरुष उत्पन्न होते हैं। तो मुझे कहीं एक बार पुस्तक में पढ़ने के लिए मिली और मैं बहुत इसको समझा, और मैं समझ गया कि 100 वर्ष पहले स्वामी जी ने जो ये बात कही, ये आज के प्रतियोगियों के लिए भी उतनी ही ठीक है। अर्थात आप एक अपना क्लियर कट लक्ष्य बना लें, आप सोच लें आपको करना क्या है। यहाँ मैं जो बात मैं आगे बताने वाला था, मैं वो भी कहना चाहूंगा कि आपको 2 लक्ष्य एक साथ नहीं बनाने हैं, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है।
आपको केवल क्लियर कट एक लक्ष्य अपना बनाना है, उसे लिख लीजिए। यदि आप खुद से पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं और आप इसका उत्तर ठीक ठीक एक बार में प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि अभी आपका लक्ष्य ही ठीक तरह से तैयार नहीं है। आपको अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। मल्टीटास्किंग से तात्पर्य यहाँ यह था कि कुछ लोग पीसीएस की तैयारी और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की तैयारी साथ साथ लेकर चलते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि एक समय में केवल एक ही लक्ष्य रखिए, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर का या पीसीएस का। हालांकि ये लेक्चर से जो तैयारी वाला पार्ट है उससे बहुत ज्यादा संबंधित नहीं, लेकिन मैं ये यहाँ कहना चाहूंगा कि जो पीसीएस या आईएएस बनते हैं, मेरा स्वयं का अध्ययन है कि उनमें से लगभग 90% लोग पहले से ही किसी या तो नौकरी में होते हैं और या तो किसी व्यावसायिक कोर्स को करे हुए होते हैं। यानी उनके हाथ में प्लान बी होता है कि यदि हम पीसीएस नहीं बन पाए, आईएएस नहीं बन पाए, तो हम हमारे पास ये फला डिग्री है या ये नौकरी है, तो हम उसे तो करते ही रहेंगे। तो इसका तात्पर्य मेरा कहने का ये है कि सर्वप्रथम यदि आपके पास एज है, आप कम एज में हैं, तो आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। परंतु यदि आपकी एज ज्यादा हो चुकी है, तो पहले आप एक ही लक्ष्य बनाइए और उसे प्राप्त कर लीजिए, फिर बाद में आप अपना दूसरा लक्ष्य देखिए। जैसे प्राइमरी टीचर बन जाते हैं बहुत लोग, तत्पश्चात आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इस प्रकार तो क्लियर कट आप एक लक्ष्य बनाइए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने पास देखिए कि क्या आपके पास उस तैयारी से संबंधित पर्याप्त पुस्तकें हैं। यदि आपके पास पर्याप्त पुस्तकें नहीं हैं, तो उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति से जिसने उसमें सफलता प्राप्त की हो, आप पुस्तकों की सूची उनसे तैयार कराइए और सब पुस्तकें खरीद कर अपने पास रखिए। लाइब्रेरी की पुस्तकें, उधार की मांगी हुई पुस्तकें आदि से काम नहीं चलेगा, आपके पास अपनी पुस्तकें होनी चाहिए। तत्पश्चात उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि आपको अपने हाथ से नोट्स बनाने पड़ेंगे। किसी के नोट्स मांगने नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स इंटरनेट से डाउनलोड किए हुए, बाजार से खरीदे हुए कुछ भी काम नहीं करेंगे। आपको पुस्तकों से पढ़कर अपने नोट्स स्वयं बनाने हैं। पढ़ते हुए ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात ये निष्कर्ष निकले हैं कि जब हम अपने हाथ से कुछ चीज लिख लेते हैं तो और उसका दूसरी बार रिवीजन करते हैं, तो मात्र पहले के मुकाबले 60% समय हमारा लगता है, क्योंकि लिखते हुए वो चीजें हमारे मस्तिष्क में, अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, और जब हम उन्हें रिवाइज करते हैं तो मात्र 60% टाइम उससे पहले से कम लगाकर हम उन्हें रिकॉल कर लेते हैं। तो हाथ से लिखने का बहुत बड़ा महत्व है, अपने हाथ से नोट्स तैयार करिए। फिर मैं कहना चाहूंगा कि आपको यदि कुछ नहीं आता है अपनी फील्ड में, आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं आती है, कुछ चीजों का नहीं पता है, तो पूछने में बिल्कुल ना झिझकिए, शर्माइए। आपको तुरंत वो चीज किसी विशेषज्ञ से, अपने शिक्षक से, साथी से पूछनी है। अब यहाँ मैं एक आपको और बात बताना चाहूंगा, और उसे आप जीवन भर के लिए गांठ बांध लें, अपने उसको अपना लें बिल्कुल। वो ये कि जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो हम पूछते तो हैं, लेकिन साथ में ईगो भी लेकर चलते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, लोग पूछते हैं कि सर आपने फला एग्जाम कहीं किया, ये किया, आप हमें बताइए। वो ये तो पूछते हैं, लेकिन साथ में वो क्या कहते हैं आप सुनिए। वो कहते हैं कि मैं पढ़ता तो बहुत हूं, मैंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, बस आप मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिए। एक तो ये बात हुई। दूसरा, जब वो कोई कॉन्सेप्ट पूछते हैं, वो पूछेंगे हाइपोथेसिस के बारे में समझाइए, तो वो जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो वो बीच में इंटरप्ट करते हैं। वो बीच में बोल के ये जताना चाहते हैं कि हमें भी बहुत कुछ पता है, बस हम आपसे पूछ ही रहे हैं। तो मैं तो इन चीजों पे ध्यान ही देता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मेरे ही मित्र हैं, वो कहते हैं कि अरे फला आदमी पूछ रहा था और होशियार भी बड़ा बन रहा था, वो ये भी दिखा रहा था कि मुझे तो आता बहुत कुछ है, बस पूछ ही रहा हूँ आपसे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि पूछना, किसी से कुछ पूछना भी एक कला है। कला आपको जब किसी से कुछ पूछना है तो उस विषय के बारे में आपको बिल्कुल अनभिज्ञ बने रहना है, पूछने पर ही वापस कोई जवाब देना है,
और जो बताया जाए वो आपको ऐसे ही लिखना है या सुनना है या समझना है। आप पूछ सकते हैं आपको कुछ क्वेश्चन हो, लेकिन ये दिखाने की कोशिश नहीं करना कि मैं भी कुछ हूं और लेकर आया हूं। इससे वो सामने वाला कई बार ये समझ जाता है कि ये जो है इगोइस्टिक पर्सन है और ये पूछ तो रहा है मजबूरी में, लेकिन ये बताना भी बहुत कुछ चाह रहा है, ये सहन नहीं कर पा रहा कि मैं इसे कुछ बता रहा हूँ। तो इसीलिए वो कई बार जितना वो लेना चाहता है उतना मिल नहीं पाता है। तो पूछने की इस कला को ध्यान रखिए, पूछते समय अपना कुछ दिखाने की, कुछ ईगो लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है। शांति से अपना जो पूछना है वो पूछिए और बात खत्म करिए। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आप में कुछ प्रतियोगी के गुण भी होने चाहिए। प्रतियोगी के गुण से तात्पर्य ये है कि जो अच्छी तैयारी करने वाले होते हैं वो बहुत समय अपना इधर उधर जाया नहीं करते हैं, और वो कुछ थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से अंतर्मुखी वो उन्हें होना चाहिए। जैसे कोई पड़ोस में रहने वाला कोई दोस्त आपसे कहता है कि शाम को चलो फला पार्क में घूम कर आएंगे, तो हो सकता है उसके पास घूमने का समय हो, वो उसका समय हो, लेकिन आपका वो पढ़ने का समय हो, तो आपको उस मित्र से मित्रता निभाने मात्र के लिए, उसका दिल रखने के लिए आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बेशक वो ये समझ सकता है कि यार ये तो जो है बहुत रिजर्व हो गया, ये तो बड़ी तैयारी में कलेक्टर बनकर ही मानेगा, ये तो घूमने के लिए भी नहीं आता। उन्हें सोचने दीजिए, आपको थोड़ा रिजर्व होना पड़ेगा, घूमिए लेकिन अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, किसी अन्य के साथ के दिल रखने के लिए नहीं, उसके समय पर नहीं। तो कुछ थोड़े से आपको रिजर्व होना पड़ेगा, थोड़ी मित्रताओं में दूरियां आएंगी, कुछ लोग कहेंगे कि आप फोन कम करते हैं, आप उनके घर कम जाते हैं, तो उन्हें प्यार से समझा दीजिए कि मैं अपने एक लक्ष्य बनाया हुआ है, उसको प्राप्त करने में मैं लगा हुआ हूँ। तो जबकि जब लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा हम उसी समय मेरे सामान्य समय हो जाएगा और हम हमारे रिलेशन ऐसे ही रहेंगे, मित्रता में कोई कमी नहीं है, व्यस्तता है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि मुझसे लोग ज्यादातर कहते हैं कि आप कैसे पढ़ते हैं, इतने सारी परीक्षाओं में टॉप किया, पढ़े कैसे? तो जो ये लेक्चर आज हो रहा है असल में, ये कहने के लिए, तो यदि आप कहें मुझसे कि जी एक लाइन में कोई मूल मंत्र बता दीजिए, तो एक लाइन में भी खत्म हो सकता है, लेकिन जो मैं एक लाइन अब आपके सामने बोलने वाला हूँ उसमें इतना गहनता और गूढ़ अर्थ छिपे हुए कि उसको बताने के लिए 40 मिनट या 1 घंटे का लेक्चर है। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आपको कि जब लोग मुझे फोन करते हैं, पूछते हैं कि जी हमें भी बताइए आपने कैसे टॉप किया, कैसे पढ़े, तो मैं समझता हूँ कि वो कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं कि मैं कुछ जादुई मंत्र बता दूंगा, कुछ जादू की पुड़िया दे दूंगा, कुछ ऐसा मसाला मेरे पास होगा, कुछ एक दो किताबें नोट्स होंगे जो मैं उन्हें दे दूं और वो कर जाए। तो मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, तो ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं है। जो मैं बात बताने वाला हूँ, जो मैं लाइन अप कहूंगा, उसके उसके गूढ़ अर्थों को आपने समझना है, उसी में जादू छुपा हुआ है, उसी में मेरी सफलता के सारे रहस्य छुपे हुए हैं। किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अध्ययन में नियमितता, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। जब मेरे पास फोन आते हैं, यही मेरा मेरा सफलता का राज यही है, नियमितता। मैं जब परीक्षाएं नहीं होती थी तो मैं उस समय भी 4-4 घंटे पढ़ता था, कोई आयोग का विज्ञापन नहीं है, कोई परीक्षा पास नहीं है, तब भी मैं 4 घंटे रोज पढ़ता था। तो उस वक्त का पढ़ा हुआ वो मैं इतनी लीड ले लेता था, चाहे इंटरव्यू के लिए हो चाहे रिटन एग्जाम के लिए, कि वो ही उसी से मुझे इतनी सारी सफलताएं मिली। तो जब लोग मुझे फोन करते हैं कि जी कुछ दिन के लिए कि आप हमें बताइए कैसे पढ़ना है, मैं उन्हें बताता हूँ आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है, फिर मैं फॉलो अप लेता हूँ, मैं उनसे कुछ दिन बाद पूछता हूँ कि अच्छा आज आप कल आप कितने घंटे पढ़े, तो 95% लोगों का जवाब होता है कि अभी पढ़ाई ठीक चल चल नहीं पा रही, अभी मैं पढ़ नहीं पा रहा, अभी समय नहीं मिल पा रहा, अभी टाइम टेबल नहीं बन पा रहा। यानी आप जिस परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, जिससे आपका जीवन संवरने वाला है, आप उसकी तैयारी का मुहूर्त ही नहीं निकाल पाते। मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ, कितने लोगों को मैं फोन करता हूँ कि हाँ जी आपने बात करी थी कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है, आप और अभी जो लाइव स्ट्रीमिंग में है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे साथी हैं, यदि मैं उनसे कहूँ कि कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, ड्यूटी के टाइम कम हो गए हैं, तो मुझे बताइए पिछले 4-5 दिन में क्या आप 4 से 5 घंटे स्टडी कर पाए रोज? तो मुझे लगता है कि यहाँ भी
90% लोगों का जवाब यही होगा कि अभी हम अभी शुरू नहीं कर पाए हैं। तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप एक तरफ तो किसी परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, और आप उसकी शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। रोज 4 घंटे 5 घंटे आप पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो कैसे आप सफल होंगे? तो ये जादू का जो शब्द है, नियमित अध्ययन, आप इसे लिख लीजिए और बिल्कुल अपने शेड्यूल में शामिल कर लीजिए कि आपको नियमित अध्ययन करना है। सफलता की कुंजी इसी शब्द में छिपी हुई है। हम में से बहुत लोग वर्किंग है, मैं उस पर आऊंगा। एक मेरे मित्र ने ही एक सवाल पूछा था, जवाब मैं उसका दूंगा बाद में। वर्किंग है तो हमारे लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है इस पॉइंट पर फोकस करना। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो परीक्षा केंद्र के कुछ एंजाइटी के बिहेवियर के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि जब हम तैयारी करते हैं, पेपर पास होते हैं, तो कई बार हमें एंजाइटी हो जाती है। तो एंजाइटी का तात्पर्य होता है कि काल्पनिक बातों से पहले ही भयभीत होना, जो जिनका पता ही नहीं कि वो सच होंगी भी या नहीं होंगी, उन्हें सोच सोचकर परेशान होना, वो एंजाइटी कहलाती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि एंजाइटी में आपके हाथ पैरों में पसीने आना, पेट खराब हो जाना, पढ़ाई में मन न लगना, पेपर पास होने के बावजूद किताबें ना उठाना, पढ़ने के लिए ना बैठना, मित्रों से फोन पर चर्चा करते रहना, अपने आप को खामखा इधर उधर व्यस्त रखना, ये सब एंजाइटी वाले बिहेवियर हैं। इसमें घबराहट होना, नींद में आंख खुल जाना, इस तरह के व्यवहार भी होते हैं। तो इस एंजाइटी, ये मुझे भी होती है, और थोड़ी बहुत मात्रा में ये सबको होनी भी चाहिए। यदि किसी को एंजाइटी नहीं होती है एग्जाम के दौरान, तो इसका मतलब ये है कि उसने उस परीक्षा को थोड़ा सा भी सीरियस लिया ही नहीं है, और वो उतना उसके प्रति सीरियस नहीं है। एक आध अपवाद स्वरूप कोई ऐसा हो सकता है कि उसे एंजाइटी ना होती हो और परीक्षा भी बहुत अच्छी देता हो, लेकिन ये एंजाइटी एक सामान्य चीज है और ये प्रत्येक प्रतियोगी को होती ही है। तो मैं अपनी बताना चाहूंगा कि मुझे पढ़ाई, जब एग्जाम पास आता है तो मुझे एंजाइटी हो जाती है, और मैं इतनी सारी परीक्षाएं दी, इतनी बार मुझे एंजाइटी हुई, मैं उन्हें लिख लेता था। तो मैं बताना चाहूंगा कि मुख्य रूप से एंजाइटी का कारण है तैयारी ठीक न होना, रिवीजन का न होना। दो चीजें ये मुख्य हैं कि यानी आप ठीक से पढ़े नहीं है और पेपर सिर पर आ गया है, दूसरा आपने रिवीजन ठीक नहीं किया है, और तीसरा आपने कोई ऐसा लक्ष्य बना लिया है जिस पर आप स्वयं विश्वास नहीं कर पा रहे कि वो आप कर पाएंगे। जैसे आप पढ़े तो है नहीं और आपने सोच लिया कि आप आने वाली परीक्षा में टॉप करेंगे, पढ़े तो आप है नहीं, आप ये सोचते हैं पहले ही मन मन में कि अब की बार जब पेपर आएगा मैं उस पर पूरे के पूरे प्रश्नों को हल कर दूंगा, बस दो चार प्रश्न ही गलत निकलेंगे, मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो जब हम ऐसी काल्पनिक बातों को सोचते हैं जबकि हमने उनके लिए प्रयास नहीं किया हुआ होता, तो तब हमें एंजाइटी होती है। तो इस एंजाइटी से उभरने का एक ही तरीका है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए और अपना रिवीजन अच्छे से करिए। परिणामों के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, आप तो केवल अपना काम करिए, आपको परिणामों के बारे में नहीं सोचना है। इस एंजाइटी से उभरने का यही तरीका है, और ये भी सोचना है कि ये मुझे भी हुई है, सबको होती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबको होगी। मैं एंजाइटी का एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि मेरे एक मित्र ने 47 की जब तैयारी शुरू की, विज्ञापन 47 की, तो बहुत जोर शोर से तैयारी शुरू की, लेकिन वो आते आते फिर उनका मनोबल डाउन हुआ, उन्होंने फिर तैयारी छोड़ दी, थोड़ी कम कर दी, मुझे नहीं बताया। तो जब पेपर से पहले, वो वर्किंग ही थी, उन्होंने छुट्टी ली, तो उन्होंने 15 दिन की या 12 दिन की छुट्टी ली थी, और छुट्टी लेने के बाद वो घर बैठे, लेकिन वो 12-15 दिन इतने कम थे, उसमें सिलेबस एजुकेशन का पूरा हो ही नहीं सकता उसमें, तो उन्हें एंजाइटी हो गई। एंजाइटी इतनी हुई कि उन्होंने अपनी छुट्टी कैंसिल करा ली, उन्होंने दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिया। आप देखिए कि एक लापरवाही से उन्होंने सब कुछ स्पॉइल कर लिया, खराब कर लिया। छुट्टी ली उन्होंने और छुट्टी में भी तैयारी, क्योंकि 12 दिन थे, उन्हें बार बार ये चिंता सताती थी कि 12 दिन में मैं फिलोसफी, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, कंपरेटिव एजुकेशन, ये मैं कैसे सारे इतने विषय पढ़ूंगा, इतना इतना सब में सिलेबस है। एंजाइटी इतनी, घर में घबराने लगे और उन्होंने छुट्टियां कैंसिल की और दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया। पेपर पास में है
छुट्टियां ले नहीं रहे, आप पढ़ नहीं रहे, स्कूल वापस जाना शुरू कर दिया, 6-7 घंटे स्कूल के लग जाते थे, तो आप कैसे परीक्षा पास कर पाते? तो उस एंजाइटी से बचने के लिए का तरीका यह है कि आप प्रॉपर नियमित अध्ययन करिए और आप अच्छे से रिवीजन करिए, तो एंजाइटी थोड़ी ही मात्रा में आपको रहेगी। साथ ही मैं, चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप परीक्षा की तैयारी से लेके और परीक्षा देकर जब आप परीक्षा कक्ष से घर आएंगे तब तक की मैं बात आपके साथ करने वाला हूं, तो और उसमें बीच में जो मित्रों के प्रश्न हैं, मैं वह उनके माध्यम से भी मैं कुछ स्पष्टीकरण दूंगा। तो मैं अब इसी कड़ी में मैं बताने वाला हूं कि जब आपकी परीक्षा पास आ जाती है, आप अपना रिजर्वेशन करा लेते हैं, तो रिजर्वेशन के लिए किसी मित्र का साथ मत ढूंढिए, ना ही यह जिम्मेदारी किसी पर छोड़िए। जैसे ही परीक्षा आती है आप तुरंत अपना रिजर्वेशन कराइए, किसी का साथ मत देखिए, क्योंकि ट्रेन का भी जो समय है वो आपकी पढ़ाई के लिए, कुछ रिवीजन के लिए बहुत उपयुक्त है। आप पूरे दिन ट्रेन में सो नहीं सकते हैं, तो आपको उस समय का भी सदुपयोग करना है। कुछ लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि अरे ट्रेन में भी क्या कोई पढ़ाई होती है? कुछ लोग आपको कहते मिलेंगे जब आप इस लेक्चर के बाद अब आप अपने थोड़े से व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे और परीक्षा केंद्र के बाहर तक आप अपने नोट्स मेरे बताए अनुसार लेकर जाएंगे, उन्हें पढ़ेंगे, तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे कहेंगे कि यार ये कैसा आदमी है, ये तो ये किताब ये ट्रेन में भी किताब लिए घूम रहा है, अब पेपर शुरू होने वाला, परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े हैं, ये अभी भी किताब पढ़ रहा है, तो उन्हें आप अजीब लगेंगे। तो मैं एंजाइटी वाली बात से जोड़ना चाहूंगा कि एंजाइटी ही हमें पढ़ने नहीं देती है। यदि हम शांत चित्त रहेंगे, हमारा मन शांत है, हमें एंजाइटी नहीं है या बहुत कम मात्रा में है, तो हम परीक्षा केंद्र के बाहर तक के समय का सदुपयोग करेंगे अपने परीक्षा देने में, पढ़ने में, रिवीजन करने में। यदि किसी को हाई एंजाइटी है तो वो परीक्षा के आसपास कभी भी किताब को हाथ ही नहीं लगाएगा। हो सकता है आप में से बहुत ऐसे लोग हो जो पेपर से 1 दिन पहले ही 2 दिन पहले ही किताबों को रख देते हो कि ये रखी किताबें और अब हमारी जो होनी थी तैयारी हो गई, अब हमें कुछ नहीं पढ़ना। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इसका अर्थ यही है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपको एंजाइटी है, आपको वो पढ़ने नहीं दे रही है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ट्रेन के समय का सदुपयोग करना है, मित्रों से बात करनी है, जिस होटल में आपके आसपास के घनिष्ठ मित्र रुके हुए हैं वहीं उसी होटल में आपको रुकना है, क्योंकि मित्रों के साथ होने से दूसरे शहर में आपको एक आत्मनोबल रहेगा, अच्छा लगेगा। चाय पीने के लिए आप मित्रों के साथ जाइए, खाना खाने के लिए मित्रों के साथ जाइए, बाहर घूमिए मित्रों के साथ पेपर से पहले, लेकिन कमरा शेयर नहीं करना है। आपको कमरा अपना अकेला ही लेना है, कोई पैसे का लालच या किसी प्रकार का कुछ नहीं करना है। यदि आपको एग्जाम एंजाइटी है तो यहाँ भी आप घबराएंगे और कोशिश करेंगे कि आप ग्रुप में रहें, तो आप ढूंढेंगे, आप अपने मित्र से पूछेंगे कि अरे एक साथ रुक लेंगे, एक कमरा ले लेंगे, एक कमरे में रहेंगे, आप एक दो और मित्रों से कहेंगे कि चलो बड़ा कमरा ले लेते हैं, एक साथ रहते हैं। तो यानी ये जो आपका बिहेवियर है ये दर्शाता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप एंजाइटी में हैं और आप पेपर से पहले अपने आप को इधर उधर उलझाए रखना चाहते हैं। तो इस सबसे बचने का यही तरीका है कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और होटल का कमरा आपको शेयर बिल्कुल नहीं करना, उस समय का आपको सदुपयोग करना है। अब जब आप होटल से निकल के अपने परीक्षा केंद्र के लिए चलते हैं, तो इतना आपको मार्जिन लेना है कि आप परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1/4 घंटा यानी 45 मिनट 40 मिनट पहले आराम से पहुंच जाएं। यदि आप होटल से देर से निकलते हैं परीक्षा केंद्र के लिए, तो भी आपको एंजाइटी हो जाएगी और हो सकता है इतनी हड़बड़ाहट हो जाए कि रास्ते में जाम मिल जाए कुछ, आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और आपके कुछ प्रश्नों पर उसका प्रभाव पड़ जाए। तो यानी परीक्षा केंद्र पर आपको लगभग लगभग 45 मिनट पहले पहुंचना है। अब चूंकि आप 45 मिनट पहले पहुंच चुके हैं और 15 मिनट पहले आपको एंट्री लेनी है, तो आपके पास आधा घंटा होता है। तो उस आधे घंटे में आपको अपना कुछ नोट्स, कुछ बुक, कुछ आपको लेके आनी है, वो आपको वहां पर उसका उस पर रिवीजन करना है और पढ़ते रहना है। क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोग आपको एक बड़ी संख्या में ऐसे मिलेंगे कि जो कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, वो कहेंगे अरे लो पेपर शुरू होने वाला, ये इसका ये अभी भी किताब लिए घूम रहा है। उन पर ध्यान नहीं देना, आप एकांत में चले जाइए, अलग चले जाइए, आपको कोई लेना देना नहीं, आपको आधा घंटे का भी सदुपयोग करना है।
अब कुछ साथी मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि भाई अब परीक्षा केंद्र के अंदर हमारा कैसा बिहेवियर होना चाहिए, तो मैं उसके लिए आपको एक साइकोलॉजिकल टेक्निक बताना चाहूंगा कि परीक्षा केंद्र के तनाव को कम करने के लिए मैं विजुअलाइजेशन टेक्निक को का प्रयोग करता हूँ। वो टेक्निक क्या है, मैं लगभग पेपर से 8 दिन 10 दिन पहले ही मैं 5 मिनट के लिए शांत समय में बैठ जाता हूँ आंखें बंद करके, और मैं लेकर ट्रेन में सफर से होटल में रुकने तक और होटल से परीक्षा केंद्र को निकलने के लिए ऑटो का सफर, फिर परीक्षा केंद्र के बाहर भीड़, फिर रोल नंबर देखकर एंट्री करना और परीक्षा कक्ष में परीक्षा निरीक्षक से पूछना कि मेरी सीट कहाँ है या देखना और बैठना, इस सारे पूरे व्यवहार को इस को मैं पहले 10 दिन पहले से ही अभ्यास करना शुरू कर देता हूँ। और कम से कम पेपर तक मैं 8-10 बार, क्योंकि 1 सप्ताह 10 दिन पहले मैं शुरू करता हूँ, 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं, 10 मिनट तो ये करता हूँ, तो जो परीक्षा केंद्र पर होने वाला तनाव है मैं इतना अभ्यस्त हो जाता हूँ कि वो मुझे कुछ लगता ही नहीं, और परीक्षा केंद्र में मैं के परीक्षा कक्ष के अंदर मैं बहुत ही शांत चित रहता हूँ। साथ ही मैं यही बताना चाहूंगा कि आपके पास पानी की बोतल जरूर होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि आपको प्यास लगेगी, इसलिए कि कई बार जब घबराहट हो जाए या कुछ अपने मन मुताबिक ना हो, तो इस प्रकार की परिस्थिति में जब आप पानी पीते हैं तो उससे आपको शांत होने में मदद मिलती है। तो परीक्षा के दौरान आप 1-2 घूंट पानी वैसे भी पीते रहेंगे तो आप शांत रहेंगे, तो अपनी पानी की बोतल लेके जाएं। ऐसे में यदि आपको प्यास भी लगती है तो और आप बाहर पानी पीने के लिए जाते हैं तो वो समय आपका बच जाएगा। दूसरी बात, परीक्षा कक्ष में आपको किसी से कुछ बोलना नहीं है, आप कभी भी यह न सोचें कि जो सामने वाला है या पीछे वाला है ये पूरा प्रश्न पत्र सही कर रहा होगा तो क्यों ना मैं इससे कुछ पूछ लूं, या जो प्रश्न का उत्तर ये बताएगा वही सही होगा, ऐसा कदापि न करें। एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो अपने आप पे भरोसा रखेंगे, किसी से बोलना नहीं है, कक्ष निरीक्षक से कोई बहस किसी प्रकार की हो, एक्सचेंज बातचीत कुछ नहीं करनी है, शांत चित रहना है। तो परीक्षा केंद्र के अंदर और परीक्षा कक्ष के अंदर आपका व्यवहार शांत होना चाहिए, बिल्कुल आपको कोई परिणाम पेपर के बारे में प्रश्नों के बारे में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अब बात आती है जब आपके सामने पेपर आता है और आप पेपर खोलते हैं, तो पेपर अटेम्प्ट करने की भी एक टेक्निक है, और चूंकि मैं इतनी सारी परीक्षाएं दे चुका हूँ, मैं 8 बार नेट की परीक्षाएं दी हैं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में तो बहुत ही कम संख्या में सेट में कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, उनमें मैं भी एक था, तो इतना अनुभव हुआ और उस सबको मैंने पूरा अच्छी तरह से टेस्ट किया, तो उसके आधार पर ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर हल करने की भी एक टेक्निक है और वो आपको फॉलो करनी चाहिए। जब आप प्रश्न पत्र खोलते हैं तो आपको सर्वप्रथम केवल और केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर देते हुए चलना है जिनको पढ़ते ही आप जिनका उत्तर दे देते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, मैं दोबारा बता रहा हूं, पेपर खोलते ही आपको केवल उन प्रश्नों पर राइट का निशान लगाना है या उन प्रश्नों को ही करना है जिनको पढ़ते ही आपने उनका उत्तर पकड़ लिया। जैसे उदाहरण के लिए कि आपसे पूछा जाए कि एनसीटीई का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, तो आपको 95 आंसर पता है, टिक करिए, या संसद में प्रस्ताव कब आया 93 में आया, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई, तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, डेफिनेशन है या अत्यंत बेहद आसान क्वेश्चन है, केवल जिनका प्रश्न पढ़ते ही आप उत्तर पकड़ लेते हैं पहली बार में, 100 क्वेश्चन तक आपको उनको करते हुए जाना है। ऐसे में आपको पता चल जाएगा कि एक ही बार में आपने कितने प्रश्न कर दिए। अब यहाँ अपने आप को धोखे में नहीं रखना, एक बार मैंने अपने एक मित्र से ये टेक्निक बताई तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने पहली बार में केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर पर लगाया 100 में से जिन्हें उन्होंने एक बार पढ़ा और फट से उनका उत्तर, फटाक से उत्तर दे दिया। अब उन्होंने मुझे आकर बताया कि यार जब पहली बार मैंने उन प्रश्नों के उत्तर दिए तो 100 में से कुल 8 ही क्वेश्चन ऐसे निकले जिनके मैंने एक बार में उत्तर दिए, यार मुझे तो बड़ा डर लगा। तो उन्होंने क्या किया था, उसी समय उन्होंने फिर बताया कि मैंने पहली बार में उन क्वेश्चन पे भी लगा दिया जो मुझे कम आते थे,
और ऐसा उन्होंने साइकोलॉजिकली वो दबाव में आने पर किया कि पहली बार में वो कम प्रश्नों के उत्तर दे पाए, तो वो पहली बार में ही मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए उन प्रश्नों को भी कर गए जिन पे उन्हें कुछ सोचना चाहिए था, कुछ रुकना चाहिए था, सोच समझ कर जिनका उत्तर देना चाहिए था। तो ऐसा नहीं करना, अपने आप को धोखे में नहीं रखना। कोई बात नहीं, आपके 4 प्रश्न ही 100 में से पहले ऐसे निकलते, निकलने दीजिए, कोई बात नहीं, फिर दूसरा राउंड आप लीजिए। दूसरे राउंड में आपको उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिन पर आपको रुककर कुछ सोचना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, अच्छा ये वाला प्रश्न, इसका उत्तर ये भी हो सकता है और ये भी, अब मैंने क्या पढ़ा था। बहुत सोच समझ कर आप तसल्ली से जिनके उत्तर देंगे, दूसरे राउंड में आप ऐसे प्रश्नों को लेंगे। और ध्यान रखना कि उनमें भी आप पकड़ लेते हैं जिनके उत्तर, केवल उनके आपको याद आ जाता है उन 2 में से, तो उनको। उसके बाद आप अब तीसरे राउंड में आएंगे, और तीसरे राउंड में ऐसे क्वेश्चन बचेंगे या तो आपने पढ़े ही नहीं है या आपके कभी सामने कभी वो आए ही नहीं है, तो तीसरी बार में आप उनके प्रश्नों के उत्तर देंगे। यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे ही अटेम्प्ट करने हैं, और यदि नेगेटिव मार्किंग है तो उनमें भी फिर आपको चूज करना पड़ेगा। कभी भी मैं जोर देकर इस बात को मैं सभी से कह रहा हूं कि मेरी इस बात को ध्यान रखना, कभी भी पूरा पेपर एक बार में अटेम्प्ट करने का प्रयास नहीं करना है। पेपर को टुकड़ों में बांटकर ही आप उस पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि आप शुरू से लेकर आखिर तक खट 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 प्रश्न करते जाएंगे, ये भी ये भी ये भी, तो आप निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न गलत कराएंगे। और मुझे पेपर के बाद ऐसे योग के साथी मिलते हैं जो कहते हैं कि यार इस प्रश्न का उत्तर मैंने ये कर दिया, इसका तो ये था, मुझे पता था, परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के बाद ही मुझे याद आ गया, तो इसका प्रश्न का उत्तर ये था। तो इसका तात्पर्य यही है कि उन्होंने प्रश्नों को अटेम्प्ट करने में बड़ी जल्दी कर दी। तो प्रश्नों को करने में जल्दी नहीं करनी है। और एक मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं कि गलतियां कैसे होती हैं। गलती ऐसे होती है कि हम प्रश्न को धीरे धीरे पढ़े बिना, समझे बिना, हम उसका झटपट उत्तर देने की जल्दी कर देते हैं। झट से प्रश्न सामने आया, झट से उसका उत्तर पकड़ो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रश्न को बहुत धीरे धीरे समझते हुए पढ़ना है, उसके शब्दों पर गौर करनी है, और तब उसे हमें अटेम्प्ट करना है। कई बार जल्दी झटपट क्वेश्चन पढ़ा और झटपट उसका उत्तर दिया और आगे चल दिए, पता चला कि वो क्वेश्चन हमने ठीक से समझा ही नहीं था, और उसने कहा क्या था, टाइप 1 एरर के बारे में पूछा था या टाइप 2 एरर के बारे में पूछा था। तो हमें इस प्रकार की गलतियों से बचना है। अब आपका पेपर अटेम्प्ट हो गया है, अब आप वहां से परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते हैं। तो जब आप परीक्षा केंद्र से बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे मेरे तो 100 में से 82 ठीक हो गए हैं, मेरे 88 ठीक हो गए हैं, और मैं तो 72 ठीक कराया। तो ये आपको ध्यान रखना कि ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, इससे आपका मनोबल कम होगा। और ये भी याद रखना कि आपको भी कुछ अधिक उत्साह में बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये नहीं बताना कि जी मेरे भी 88 हो गए, मेरे 80 हो गए, क्योंकि जिस समय रिजल्ट आएगा, आंसर की आएगी, उस समय फिर आपका आपको आपको बहुत ही बेइज्जती, एम्बरेस्ड फील करेंगे और आप हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे कि मैं इतने प्रश्न बताए और मेरे निकले इतने। तो आपको ये गलती नहीं करनी, यानी आपको किसी से बहस नहीं करनी, किसी के बताए हुए प्रश्नों के दबाव में नहीं आना, क्योंकि उससे भी कई बार डिप्रेशन या एंजाइटी हो जाती है कि यार मैं इतना पढ़ा और मैं तो करके आया हूँ 70 क्वेश्चन, और फला मेरा दोस्त बता रहा था कि वो तो करके आया 84 क्वेश्चन, यार मेरी ही पढ़ाई में कोई कमी है, कुछ कमी रह गई। अब ऐसा सोच सोच कर आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं, आपको पता भी नहीं कि उसके 84 ठीक है या 64 ठीक है। जब आंसर की आएगी, जब रिजल्ट आएगा, तब देखा जाएगा। तो किसी के दबाव में, प्रभाव में नहीं आना है, किसी को बड़ाई करके अपने उत्साह में ज्यादा प्रश्नों के उत्तर नहीं बताने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जब तक नहीं आ जाता, ये नहीं आ जाती आपकी आंसर की या परिणाम, तब तक आपको बहुत ही शांत रहना है। कोई इस तरह की परेशानी की कोई जरूरत नहीं है लेने की कि मेरे इतने प्रश्न ठीक है, क्या रिजल्ट होगा। तो इस प्रकार आपको ये कुछ चीजें पेपर के शुरू होने से पहले और आखिर तक मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपको कुछ चीजें अपनी तैयारी से रिलेटेड बताना चाहूंगा, और उन पर मैंने अपने मित्रों से सुझाव मांगे थे कि बहुत लोग जानना चाहेंगे कि नितिन त्यागी कई परीक्षाओं के टॉपर उनके सामने हैं, तो इससे बढ़िया क्या उदाहरण होगा। सैद्धांतिक चीजें तो हम पुस्तकों में पढ़ते ही हैं, यूट्यूब पे चैनल भरे पड़े हैं दूसरे लोगों का, जो प्रत्यक्ष हमारे बीच के ही व्यक्ति हैं वो उन्होंने कैसे की। तो मेरे मित्र विनय पाल सिंह हैं,
जूनियर में टीचर हैं, तो मैं उन्होंने एक जो क्वेश्चन किया मैं आपसे बता देता हूँ। और इस प्रश्न से पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि मैं कक्षा 10 में सेकंड डिवीजन, कक्षा 12 में सेकंड डिवीजन, BSc में सेकंड डिवीजन, कोई मेरा टॉपर का रिकॉर्ड, कोई ऐसा एक्सीलेंट ब्राइट कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, और जबकि परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा। तो आपको ये किसी के अंकों से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, अपनी पिछले जो अंक हैं, असफलताएं हैं, उन्हें साथ लेकर चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप लग जाएंगे जिस दिन जिस परीक्षा में, उस दिन फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और उसके लिए मैं एक मूल मंत्र बता ही चुका हूं आपको, अध्ययन में नियमितता, कंटिन्यूटी, रोज का अध्ययन। और जो विनय सर ने वो प्रश्न किया, उससे पहले मैं एक साइकोलॉजिकल बात बताना चाहता हूँ, और उसे आप लिख लें कहीं कागज पर, नोट कर लें कि मनोविज्ञान कहता है कि यदि आप कोई आदत डेवलप करना चाहते हैं, हैबिट फॉर्मेशन करना चाहते हैं, कोई आदत बनाना चाहते हैं, तो लगातार 21 दिन तक आपको वो काम करना चाहिए। 22वें दिन आपकी बॉडी, आपका माइंड, वो आपसे कहेगा कि उस काम को करो, उस काम को करने के लिए आपको वो प्रोत्साहित करेगा। तो यानी हैबिट फॉर्मेशन में 21 दिन लगते हैं, ये मनोविज्ञान कहता है। और डिटैच करने में या किसी आदत को छुड़ाने के लिए आपको इसके दुगने दिन यानी 42 डेज लगते हैं। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अपने स्टडी कक्ष में, यदि जो लोग अभी मेरे मित्र बार बार पढ़ाई नहीं शुरू कर पाते हैं, उनका मुहूर्त नहीं निकल पाता अध्ययन शुरू करने का, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अपने अध्ययन के कमरे में पढ़ने वाली मेज के सामने एक A4 साइज पेपर चिपकाइए, उसमें 21 बॉक्स बनाइए, सुबह शाम के बॉक्स बनाइए, और उसमें लिखिए कि आज आपको अध्ययन करना है, अथवा जो भी आपको हैबिट फॉर्मेशन करनी है वो लिखिए। आप उसमें सुबह टिक लगाइए कि मुझे आज पूरे दिन में अध्ययन करना है, दिन में 2 घंटे 3 घंटे अध्ययन करना है। और शाम को जब रात को आप लेटेंगे, लेटने से पहले उस पर टिक वाले बॉक्स पे, दो बॉक्स होंगे, एक सुबह का बॉक्स एक शाम का बॉक्स, शाम के बॉक्स पर आपको फिर टिक करना है सोने से पहले। वो आपको बॉक्स बताएगा कि क्या आपने सोने से पहले आज का वो लक्ष्य तय किया। अब यदि उस पर आप टिक कर पाते हैं तो अच्छा हुआ, पहला दिन आपका सही निकला और आपने जो लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते थे वो आज के दिन का वो सेट हुआ। और यदि उस पर आपने कट लगाना पड़ा तो इसका अर्थ है कि आप आज कोई कार्य जो आपको करना था वो नहीं कर पाए हैं। तो हैबिट फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप अपने स्टडी रूम में A4 साइज पेपर पर 21 बॉक्सेस बनाइए, डेट लिख लीजिए उन पर, डे लिख लीजिए, जो भी आप लिखना चाहें, और सुबह शाम के दो बॉक्स बनाइए। सुबह उठकर आपको कहना है कि मुझे ये काम करना है, और शाम को जब आप रात को सोएंगे उससे पहले आपको टिक करना और कहना है कि क्या मैंने आज ये काम किया था, यदि हाँ तो टिक, नहीं तो कट, और कट से आपको पता चल जाएगा कि आपने किया या नहीं किया। ये आज से ही आपको या कल से आपको करना है। दूसरा मैं ये बताऊंगा कि आपके अंदर कोई बुरी आदत है, आप फोन रात को लेट नाइट तक फोन देखते हैं, आपके अंदर कुछ अन्य आदतें हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर सकता, आप ही जानते होंगे, और आप उनसे परेशान है, छोड़ना चाहते हैं, तो अब आपको उसी स्टडी टेबल के सामने या अपने स्टडी रूम में A4 साइज पेपर पर 42 डेज का शेड्यूल बनाना है, और सुबह शाम के दो बॉक्सेज रखने हैं, और उसमें लिखना है कि मुझे आज अमुक काम, जो भी आप आदत छोड़ना चाहते हैं वो नहीं करना है। और सुबह उस पर टिक लगाएंगे, सुबह उठते ही सबसे पहले उस पर टिक लगाएंगे कि आज मुझे ये काम नहीं करना है, मेरी बैड हैबिट है, मुझे छोड़नी है। और रात को सोने से पहले यदि आपने पूरे दिन वो काम नहीं किया है, वो आदत छोड़ना चाह रहे हैं, और तो आप उस पर टिक लगाएंगे, और यदि आपने वो दिन में काम कर लिया है तो उस पर क्रॉस लगाएंगे। आपको ये बताएगा कि आपने वो काम करने के लिए वो प्रयास किया या नहीं किया सोते समय, आपको वो टिक या क्रॉस बताएगा। यदि आपका क्रॉस लगता है तो इसका मतलब आपने काम किया। दृढ़ निश्चय होकर हैबिट फॉर्मेशन के लिए या हैबिट को छुड़ाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, मनोविज्ञान के 21/42 के रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपकी हैबिट बन जाएगी। तो एक तो ये बात थी। दूसरी, मैं विनय पाल सर ने जो मुझे एक क्वेश्चन भेजा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर के बताइए, आपने अपनी जो सफलता प्राप्त की उसके बारे में बताइए, वह दौर जब आप एक सामान्य स्टूडेंट थे, क्या
कैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि आप टॉपर बन गए। तो बिल्कुल सही बात है कि मैं सामान्य ही स्टूडेंट हुआ करता था, कभी टॉप नहीं किया, कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई, 10वीं 12वीं बीएससी। तो इसके लिए जो मोटिवेशन है वो मैं जो स्वामी विवेकानंद जी की मैंने कोटेशन पढ़ी थी, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एक समय ऐसा आया जब मैं बीएड करने के लिए गया, तो मेरे बड़े भाई जो इस समय जज है उपभोक्ता न्यायालय में बुलंदशहर पोस्टेड है, तो मैं उनसे कह रहा था कि भाई मेरी कभी फर्स्ट डिवीजन 10th में नहीं आई, 12th में नहीं आई, बीएससी में नहीं आई, तो मैं बीएड में भी मैं क्या कर पाऊंगा और कैसे मेरी नौकरी लगेगी, क्योंकि उस समय नौकरी ये 10वीं 12वीं और इन्हीं गुणांक बीएड के गुणांक पर ही लगती थी, वो मेरे अंक बहुत कम थे। तो जो मेरे भाई हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि कोई भी परीक्षा या कक्षा जब शुरू होती है तो वो सब बच्चों के लिए नई होती है, नई का मतलब न्यू, न्यू होती है बिल्कुल। अब तुम जब बीएड करने के लिए जाओगे तो कोई आईसीएसई बोर्ड का पढ़ा हुआ 90% वाला बच्चा हो, चाहे कोई 80% वाला, चाहे कोई 60% वाला, और चाहे कोई 50% वाला यूपी बोर्ड का बच्चा हो, उन सब के लिए ये बीएड का कोर्स नया है और नितिन तुम्हारे जीवन की के लिए ये लाइफ चेंजिंग बन सकता है यदि तुम यहीं से शुरुआत कर दो, बीएड से ही शुरुआत कर दो। तो मुझे थोड़ी अटपटी तो लगी, लेकिन मैंने इस पे विचार किया कि हाँ बीएड की जो पहली पुस्तक है इमर्जिंग सोसाइटी इन इंडिया, टीचर इन इमर्जिंग सोसाइटी, तो उदयमान भारतीय समाज में शिक्षक, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा तकनीकी, तो मैंने सोचा कि क्या कोई आईसीएसई बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ बच्चा क्या इसे पहले से पढ़कर आया होगा। तो जवाब यही था कि नहीं। तो मैं समझ गया, मैं मूल मंत्र को समझ गया कि अच्छा ये सबके लिए नहीं है और यहीं से ही शुरुआत करनी है। तो उसी समय मैंने पढ़ाई करनी शुरू कर दी थी और इतना पढ़ा, मन में ये रहता था कि भाई मैं कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं आई, इस बार फर्स्ट डिवीजन लानी है, और लोग भी पढ़ते होंगे ऐसा सोचकर मैं पढ़ता था, तो मैं ज्यादा पढ़ता था। मैं आपसे यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि यदि आप कहें नितिन त्यागी, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, फला व्यक्ति में क्या क्या समानता है, तो सब में समानता एक ही है, हार्ड वर्क, सबने कठिन परिश्रम किया। और मैं एक बार उसी समय से मैं जोड़ूंगा बात जो मैं अभी बीएड में बता रहा था, यहाँ बीच में मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक तैराक का इंटरव्यू सुना था, उसने ओलंपिक में कई पदक जीते थे, तो उससे पत्रकार ने पूछा था कि भाई आप हर बार हर तैराकी की प्रतियोगिता, ओलंपिक हो, कोई किसी कंट्रीज का, कॉमनवेल्थ का कहीं गेम हो, आप ही स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं, आप इतनी मेहनत कैसे करते हैं। तो उसने कहा कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे प्रतिद्वंदी इस समय पढ़ रहे होंगे या मेरे प्रतिद्वंदी इस समय अभ्यास कर रहे होंगे, और उनका अभ्यास कितना हो सकता है, जितना मैं करता हूं इतना तो कम से कम होगा ही, 5 घंटे 6 घंटे। अब मैं उनसे आगे लीड लेने के लिए मैं उस समय का चयन करूं जिसमें वो आराम कर रहे होंगे या सो रहे होंगे, और उस समय के का जो मुझे अभ्यास है मुझे उनसे लीड दिलाएगा। तो ये इंटरव्यू मेरा पढ़ा पढ़ा हुआ था और मुझे हर समय मस्तिष्क में रहता था। तो मैं ये सोचता था कि बीएड करने के लिए जो ये सब स्टूडेंट आए हैं, सब यंग एज में है, इस समय टीने से तो ऊपर थे, बहुत सारे शादीशुदा भी थे, तो ये कितने पढ़ लेते होंगे दिन में। तो मैं खुद से ही सवाल जवाब करता रहता था, तो मन में आता था कि कोई 3 घंटे हद से हद पढ़ता होगा रोज बीएड के लिए। हालांकि सत्यता तो यह है कि बीएड में 3 घंटे कोई बीएड का स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा होगा रोज, लेकिन मैं अनुमान लगाता था कि ये 3 घंटे पढ़ता होगा। ठीक है, तो मैं अपना समय सेट करता था कि मन मन में सोचकर कि कोई शादी भी शुदा है, बच्चे भी, फैमिली भी, ये वो सबके साथ समस्याएं हैं, कुछ पढ़ा भी रहे हैं, तो 3 घंटे पढ़ते होंगे, अब मुझे रोज 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है। अब वो काल्पनिक था, हो सकता है वो 3 घंटे भी ना पढ़ते हो, 1 ही घंटे पढ़ते हो, लेकिन उस काल्पनिक तैयारी ने ही मेरी इतनी अच्छी तैयारी कराई कि बीएड के समय से और अब तक मुझे शिक्षा शास्त्र विषय की 300 350 परिभाषाएं लगभग हर समय याद रहती हैं। मुझे दोबारा बता रहा हूँ, 300 350 बल्कि ज्यादा हो सकती हैं परिभाषाएं हर समय याद रह सकती रहती हैं, इतना मैंने पढ़ा। तो आपको भी बताना चाहूंगा कि आपने प्रतिद्वंदियों के बारे में सोचिए कि आपको आपका प्रतिद्वंदी कितना पढ़ता होगा, और आप फिर वहां से आगे उससे निकलने के लिए ज्यादा स्टडी करने की सोचिए।
तो ये तो मैं एक सामान्य स्टूडेंट था और धीरे धीरे बीएड की पढ़ाई, एमएड की पढ़ाई, फिर मैं निकलता ही चला गया, पढ़ता ही चला गया और पढ़ाई को मैंने अपनी हैबिट बना लिया और रोज की दिनचर्या में शामिल कर लिया। एक प्रश्न अनुराग मिश्रा जो मेरे मित्र हैं उन्होंने पूछा था, जिसका जवाब मैं आगे दूंगा। तो वो प्रश्न उनका था कि जब परिस्थिति अनुकूल नहीं होती है, हम कहीं बाहर होते हैं घिरे हुए किसी काम में, तो तब पढ़ाई से कैसे अपने आप को रिलेटेड रखें। तो मैं उसका रिलेट रखें, तो मैं उसका आंसर देते समय मैं आगे बताऊंगा। यहाँ मैं यही बताना चाह रहा था कि एक सामान्य स्टूडेंट ही था मैं, एक टेक्निक बदलकर अपने अंदर मोटिवेशन लाकर कुछ पाने की चाह लेकर ही मैं धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब जो विनय सर का क्वेश्चन था कि आप एक सामान्य स्टूडेंट होते थे, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही हुआ क्योंकि मैं चाहता था कि मैं कुछ तो बनूं जीवन में, और मेरी पिछला बैकग्राउंड ऐसा था नहीं, अंक कम थे, तो वो मेरी बस एक ही मेरे पास विकल्प था, अध्ययन करना। वो अध्ययन मैंने इतनी शिद्दत से, इतने मन से, लगन से किया कि उसने ही मुझे आज सब कुछ दिला दिया। तो मैं केवल अपने अध्ययन से, नियमित अध्ययन से ही मैं आगे निकला। उनका दूसरा क्वेश्चन था कि स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो इसी लेक्चर में मैं अभी आपको पुस्तकों के बारे में, किस प्रकार आप सिलेबस पूरा करें, रिवीजन करें, पेपर से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले आप कैसे अपना समय लगाएंगे, उन सब के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं दूसरा प्रश्न देखता हूं। अनुराग मिश्रा जी ने भी मुझसे ये पूछा कि ज्यादातर अभ्यर्थी गृहस्थी में है, आप स्वयं भी रहे, मैं दो बच्चे हैं मेरे, नौकरी थी प्राइमरी की, पारिवारिक जिम्मेदारी, 40 किलोमीटर नौकरी करने जाता था आता था, उसके पश्चात भी मैं कैसे लगा रहा, अनुराग मिश्रा जी ने पूछे हैं। तो यहाँ भी मैं ये बताना चाहूंगा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि प्राइमरी की नौकरी में 6 घंटे का समय लगता था और लगभग 1.5 घंटा मेरा व्यतीत होता था आने जाने में। तो मैंने जब कुछ दिन के लिए मैं प्राइमरी की नौकरी मैंने शुरू की, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा कितना समय यहाँ खर्चा होता है प्राइमरी की नौकरी में। अब उसके बाद मैंने अपनी पारिवारिक दायित्वों के लिए समय लगाया कि जब मैं घर आता हूँ तो बच्चों को खिलाने के लिए बाहर पार्क में लेके जाना है, पत्नी के साथ भी थोड़ा समय बिताना है, घर का कुछ काम है वो भी करना है, तो उन सबको मैंने उनका अनुमान लगाया और वो उसके अलग जो समय था उसका मैंने अनुमान लगाया। तो इस प्रकार नौकरी करने के, परिवार के सब चीजों के बाद आराम से मुझे 3 से 4 घंटे रोज मिल रहे थे। अब ये मुझ पर था कि इन 3 से 4 घंटे का मैं उपयोग कैसे करता। मैं पैर पे पैर रख कर लेटता कि मेरी प्राइमरी की एक सरकारी नौकरी लग गई है और अब तो जिंदगी मजे में गुजरनी है, तो अब करना क्या, क्यों टेंशन लेनी, मेज कुर्सी पे बैठे पढ़े इतनी हेडक लेनी। तो मैं उन 3 से 4 घंटे को ऐसे भी व्यतीत कर सकता था, टीवी मोबाइल में, इस तरह से। मैंने सोचा कि जब मैं एमएड हूँ, नेट हूँ, एक नौकरी मेरी लग गई है और मेरा उद्देश्य है डिग्री कॉलेज में जाना, तो क्यों ना इन 3 से 4 घंटे में रोज पढ़ूं। तो मैं रोज याद रखता था कि मेरे पास आज 3 से 4 घंटे हैं, मैं चाहूं तो इन्हें बर्बाद कर दूं और चाहूं तो मैं इनमें पढ़ लूं। तो यहाँ कई सारे प्रश्नों के जो आगे प्रश्न आएंगे उनके उत्तर इसी में छिपे हुए हैं कि जब आप रोज पढ़ेंगे और वो भी 3 से 4 घंटे, तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता, कोई आपके लक्ष्य को से आपको भटका नहीं सकता। 3 से 4 घंटे की पढ़ाई असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में टॉप करने के लिए काफी है। 3 से 4 घंटे की पढ़ाई रोज यानी नियमित, बेशक बेशक आपका कोई परीक्षा आपकी पास नहीं है, कोई आयोग ने फॉर्म नहीं निकाला हुआ है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप 3 से 4 घंटे रोज पढ़ रहे हैं, उसमें मैं 4 को भी हटा दूं, मैं 3 ही घंटे ले आऊं, आप पढ़ेंगे तो भी आप टॉप कर जाएंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप जरा मेरी इस जो मैं अभी कहता हुआ आया हूं इस पर विचार करें और खुद ही अपने आप से पूछें कि क्या आप कल परसों उससे पहले दिन, पिछले 4-5 दिन में रोज 3 से 4 घंटे पढ़े हैं, जबकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप इंटर कॉलेज में टीचर बनना चाहते हैं, क्या आप पढ़े हैं? यदि आपके मन में आता कि पिछले 3 से 4 दिन में नहीं पढ़ पाया हूं, तो सोचिए कि यही गलती हम कर देते हैं। हम जब पेपर आता, पेपर के पास तो सब पढ़ते हैं, सब सब लोग पेपर के पास ही पढ़ेंगे, महीने 2 महीने पहले झटपट किताबों को निकालना, रिविजन करना, वो तैयारी हो ही नहीं सकती। उस तैयारी से आप गिर पड़कर यदि आपने रिटेन क्वालिफाई भी कर लिया, तो फिर वही ईश्वर भरोसे रहेंगे इंटरव्यू पर कि
इंटरव्यू में मुझे 26 नंबर मिल जाते तो मेरा ये चीज हो जाती, मेरा ये हो जाता तो वो हो जाता। एक लिसनर है जो यहाँ ऑडियन है, ऑडियंस, उन्होंने पूछा है कि प्राइवेट कॉलेज में 9 से 5 तक टाइम होता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा चुका हूँ और 4 वर्ष मैंने श्री माधव कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी हापुड़ में बीएड कॉलेज में पढ़ाया है। और मैं बताना चाहूंगा कि कॉलेज में लेक्चर जो होते हैं बीएड कॉलेज में, वो 2 से 3 लेक्चर रोज के होते हैं, 3 भी नहीं होंगे, मुश्किल से 2 ही होंगे, और अधिक से अधिक हुए तो 3 हुए। 3 लेक्चर से अलग बहुत ज्यादा बर्डन वाला काम नहीं होता है। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, अगर मेरे कुछ बीएड के दौरान के साथी इसमें शामिल हुए टीचर कलीग्स, तो वो शायद बुरा मान जाएंगे, लेकिन मैं उनसे क्षमा प्रार्थी चाहते हुए कहना चाहूंगा कि मैंने देखा है कि लोग कॉलेज में आने के बाद, लेक्चर लेने के बाद अपना समय बर्बाद करते हैं, वो पढ़ते नहीं है। कॉलेज के समय को भी समय का भी सदुपयोग किया जा सकता है। हमारी लाइब्रेरियन है सुनीता मैडम, तो माधव कॉलेज की, जब मैं वहाँ टीचिंग करता था, तो वो अब भी जब याद करती है तो वो कहती है कि नितिन, तुम उस समय भी लेक्चर लेने के बाद में यहाँ आकर पढ़ते थे, 3-3 घंटे मेरे लाइब्रेरी में बीतते थे। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जय सिंधु कॉलेज में मैं अपॉइंट हो चुका हूँ, यहाँ बहुत कम समय होता है कॉलेज, तो आप जानते हैं कॉलेज में कितनी क्लासेस क्या होता है। मैं यहाँ भी आते ही सबसे पहले मैं लाइब्रेरियन के पास गया और मैंने लाइब्रेरी में अपनी एक मेज और कुर्सी अलग लगवाई। जब कॉलेज आता हूँ, सब टीचर्स के अभिवादन के बाद, सबसे मिलने के बाद, अपने लेक्चर लेने के बाद, इधर उधर गप्पे ना लड़ाकर, इधर उधर जाकर चाय पीकर समय बर्बाद ना करके, मैं लाइब्रेरी में चला जाता हूँ और भावी पुस्तक लिखने के लिए, कुछ और अन्य रिसर्च करने के लिए, मैं वहां पुस्तकों को देख देख कर अपना अपनी कोई योजना बनाता रहता हूँ। तो जिन महाशय ने ये पूछा कि इस कि प्राइवेट कॉलेज में 5 से सुबह 9 से 5 का टाइम होता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि 9 से 5 का टाइम आपका पैक्ड नहीं है। आप किसी बल्ब बनाने वाली फैक्ट्री, सीएफएल बनाने वाली फैक्ट्री में काम नहीं कर रहे हो कि आप हर समय, आपके हाथ में कोई चीजें आती जा रही हैं, आप कुछ हर समय इंगेज हैं, कुछ नहीं, आपने लेक्चर लिया और आपके पास समय होता है। मैंने बीएड कॉलेजेस में देखा लोग समय को बर्बाद कर देते हैं, अपने पढ़ते ही नहीं है, तो कॉलेज के समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप वहां समय निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी को कॉलेज में भी जारी रख सकते हैं। अब मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि वो हुई तैयारी मेरी उसकी प्राइमरी की, कि आपसे मैं कह रहा था कि आप रोज कितना पढ़ते हैं, तो नियमित आपको पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने कहा, अनुराग मिश्रा जी ने पूछा कि कभी कभी जब परिस्थितियां पढ़ाई की न हो तो तैयारी से कैसे जुड़ा रहा जा सकता है, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बहुत सारी परिस्थितियां मेरे साथ भी ऐसी होती हैं कि मैं 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर चला जाता हूँ और पढ़ नहीं पाता हूँ। तो इसके लिए मैं बताऊंगा कि कोई पतले नोट्स की फोटो खींचकर पीडीएफ बनाकर फोन में रखिए, खाली समय में देखिए, उसे पढ़िए। ये इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं ये बात भी बताना चाहूंगा कि आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। पढ़ाई का जो काम है वो बहुत ही कठिन है, एक मेज कुर्सी पे बैठ जाना और किताबों से सिर मारना, कुछ समझ आ रहा कुछ नहीं आ रहा, तो ये बहुत कठिन कार्य है, लोग छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ पढ़ना नहीं चाहते, तो ये आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। और ये ऐसे ही आएगी जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यात्रा के दौरान अपने बैग पैक में एक कोई किताब रखिए, मनपसंद किताब, वो कहानियों की भी हो सकती है या आपके सिलेबस की भी हो सकती है, रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए कह रहा हूँ। अब सफर में आप खामखा फोन चला रहे हैं, खिड़की से बाहर इधर उधर बेकार में झांक के अपना समय खराब कर रहे हैं, दूसरों को टकटकी लगाए देख रहे हैं, क्यों? सफर में है, समय खराब जा रहा है, आप किताब निकालिए और पढ़िए, कुछ तो दिमाग में आएगा ही आपके, और कुछ भी नहीं होगा तो आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी, आपको कुछ पढ़ने की हैबिट बनेगी। तो रीडिंग हैबिट जो है डेवलप कीजिए, और ऐसे समय में जब आप बिल्कुल आप जो है समय नहीं निकाल पा रहे होते हैं, तो छोटे छोटे समय में मोबाइल से पढ़िए, कोई आपके पास नोट्स है उन्हें पढ़ लीजिए, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप की पुस्तक है उसे पढ़ लीजिए। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है। तो ज्योति चौधरी मैडम है, मेरी साथी है और कलीग रही प्राइमरी में, उन्होंने मुझसे पूछा कि जो प्रीवियस पेपर्स है एंड मॉक टेस्ट है, वो कितने जरूरी हैं और प्रीवियस पेपर्स को कैसे पढ़ा जाए। तो मैं यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ और अपना संपूर्ण अनुभव झोंकने के बाद ये बात बता रहा हूँ, इसीलिए मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप इस वाली बात को बहुत ध्यान से सुने। कुछ लोग खुद को धोखा देने के लिए कि वो तैयारी कर रहे हैं,
क्या करते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप पुस्तक उठा लेते हैं, वो प्रीवियस पेपर्स असिस्टेंट प्रोफेसर के हो सकते हैं, वो नेट की पुस्तक हो सकती है, या किसी की लिखी हुई ऐसी कोई किताब हो सकती है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और वो ये सोचते हैं कि अब मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैंने वो पढ़ने शुरू कर दिए हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आपकी तैयारी का तरीका बिल्कुल गलत है। जो पुराने पेपर्स हैं उनके पढ़ने की टेक्निक से उनका कैसे यूज करा जाना है मैं बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम होना चाहिए आपको अपना सिलेबस जो है, सिलेबस वो कंप्लीट करना है। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तब तक एक भी पुराना क्वेश्चन आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि आप क्वेश्चन से सिलेबस की तरफ चलेंगे बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन किस टाइप का आया, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक का आया, आप वो पढ़ते हुए चले गए, और कंटेंट में कितनी सारी चीजें आप एक साथ पढ़ते जब आप एक कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करते, तो आपको ये क्वेश्चन बाद में पढ़ने हैं, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अब जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे लिए आपने फिलोसफी का सिलेबस, एजुकेशन फिलोसफी का सिलेबस पूरा कर लिया, तब आपको तो कई तरीके हो सकते हैं कि या तो आप एक साथ सारा सिलेबस कर लें, एजुकेशन फिलोसफी, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टीचर एजुकेशन, कंपरेटिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, सब क्रम से पढ़ते जाएं, और बाद में कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की पुराने पेपर्स की कोई किताब उठा ले, नेट की कोई पुरानी किताब उठा लें, और उनसे फिर आप पढ़ना शुरू करें। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप खाली समय में, जैसे जब परीक्षाएं नहीं होती हैं, अब जैसे इस समय चल रहा है, तो आप पढ़ाई के साथ साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ बराबर में नेट के प्रश्न पत्र या पुरानी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी हल करते जाएं, और ऐसे प्रश्न, ऐसे ध्यान से सुनना क्योंकि ये प्रश्न पत्रों का कैसे उपयोग करें अच्छी सफलता में, मैं ये इस बात पे जोर दे रहा हूँ। तो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं और एक साइड में आपके पास समय खूब है, कोई पेपर आसपास अभी नहीं है, तो आप रोज अपना सिलेबस भी पढ़ते हैं और बराबर में प्रश्न पत्र भी पढ़ते हैं। तो ऐसे प्रश्न पत्र, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न नेट की बुक से आप निकाल कर अपने नोट्स में ले आइए, उधर से लाइए, इधर लिख लीजिए कि आप इस चीज को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद भी अमुक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो इसका मतलब ये प्रश्न रिवीजन करने योग्य है। तो या तो वहीं पे उसी पेपर में उस पे आर लिख दीजिए, आर, और फिलोसफी का क्वेश्चन है तो पीएच लिख दीजिए या EDU PH लिख दीजिए, जो भी आप उस पे कीवर्ड देना चाहें। तो आप ऐसा साथ में करते जाइए दोनों चीजों को। तो ये या तो आप दोनों को साथ पढ़िए या बाद में पढ़िए, तो इससे क्या होगा कि आपको अपने गैप्स फिल करने में मदद मिलेगी, और जब पेपर के आसपास आप नेट की उस बुक का या पुराने प्रश्न पत्र की उस बुक का रिवीजन करेंगे तो आपका ध्यान केवल उन प्रश्नों पर जाएगा जिसपे आर यानी रिवीजन करना लिखा हुआ, आर और EDU PH एजुकेशन फिलोसफी लिखा हुआ है। तो आपको हर क्वेश्चन पे नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन तो ऐसे ही है, प्लेटो की डेफिनेशन आपने खट से उत्तर दे दिया, ये दे दिया, लेकिन चलते चलते चार क्वेश्चन ऐसे आए कि आप कह रहे हैं यार मैं तो पढ़ भी आया और इनका उत्तर नहीं दे पा रहा, तो उन पे लिखिए। और जब जिस समय पेपर आपका होगा, पेपर से 10 दिन पहले आप उसका रिवीजन करेंगे, तो पूरी उस ऑब्जेक्टिव टाइप बुक में केवल आर लिखे हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और वो क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो आप उनका उत्तर दे पाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से साथी मेरे कहते हैं कि वो नेट के पुराने प्रश्न पत्र पढ़कर गए, असिस्टेंट प्रोफेसर के पूरे प्रश्न पत्र पढ़ते गए, और उसके बावजूद ये प्रश्न पढ़े और उसके बाद भी वो कर नहीं पाए, वो उत्तर नहीं दे पाए। वो इसलिए क्योंकि वो, ध्यान से सुनना मैं जो शब्द कह रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो हर बार उस किताब को शुरू से आखिर तक पढ़ते हैं। भैया नेट के ही 10,000 क्वेश्चन होंगे अब तक की, अगर आपके पास में एक बुक है 10,000 क्वेश्चन होंगे नेट के, तो और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की यदि प्रश्न पत्र मिला लो तो 800 900 1000 प्रश्न बैठेंगे। तो शुरू से लेकर आप बार बार जब उस किताब को पढ़ोगे तो उस भीड़ में आसान प्रश्न भी और वो प्रश्न भी जिनके आप उत्तर नहीं दे पा रहे थे, सब मिक्स हो गए हैं, और आप प्रश्न जब पेपर में जाते हैं तो आपको लगता है कि ये जो ये प्रश्न था आया हुआ तो है, मैंने पढ़ा तो कहीं है, लेकिन इसका उत्तर ये होगा या ये होगा, आप फिर भी उसे गलत करके आ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को पहचान लीजिए जिनका आप उत्तर घर पे ही नहीं दे पा रहे हैं, उन पर आर लिखिए, और पेपर के दौरान केवल उन्हीं का रिविजन करिए, आसान प्रश्नों को पढ़ के खामखा का वजन बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।
तो पुराने प्रश्न पत्रों का बहुत अहम रोल है, लेकिन वो तरकीब से पढ़ने हैं। प्रश्न पत्रों के माध्यम से कभी भी तैयारी होती नहीं है। यदि आप ऑब्जेक्टिव टाइप बुक पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। ऐसे तैयारी हो ही नहीं सकती है। कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, बैठकर एक कुर्सी मेज पर समय व्यतीत करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, तब जाकर आप एक इतनी बड़ी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। दूसरा प्रश्न, कुछ मेरे साथी मुझसे अभी एक किसी ने प्रश्न पूछा था, वो चैट बॉक्स में शायद हो, मैं देखना चाहूंगा, इसमें नहीं है। हेलो, क्या कोई लिख के बताएगा कि क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी? ठीक है सर, वो गलती से पता नहीं कैसे मैं बाहर आ गया था। थोड़ी सी देर का सर वो लेक्चर है, तो ये दोबारा से वहीं से रिज्यूम हो गया है। ठीक है, तो कुछ साथी मुझसे मेरी पुस्तकों के बारे में पूछ रहे थे कि आप कौन कौन सी पुस्तकों से पढ़े, तो मैं आपको वो पुस्तकें दिखाना चाहूंगा। ये देखना चाहूंगा कि मैं इसमें ये क्या स्प्लिट कैमरा कैमरा घूम सकता है। फेसबुक लाइव में शायद वो फैसिलिटी है नहीं कि कैमरा इसमें घूम सके, फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मेरी बुक सेफ है, और इसमें सबसे ऊपर फिलोसफी और सोशियोलॉजी की किताब इनकी खाने में है, रैक में है। फिर ये साइकोलॉजी की पुस्तकें हैं, और ये इसमें रिसर्च की और दूसरी तरह की पुस्तकें हैं, यहाँ पैडागोजी और दूसरी पुस्तकें हैं। तो मैं ये पुस्तकें मैं उतार लेता हूँ, और मैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस किस पुस्तक से मैंने तैयारी करी है। ये है रमन बिहारी लाल जी की पुस्तक शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार। ये बेस किताब है, और यदि किसी प्रतियोगी ने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो वो प्रतियोगी परीक्षाओं पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। एक बेहतरीन बुक है, बेस बुक है, ये पढ़नी ही पड़ेगी आपको। दूसरा एक ये किताब राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, प्रोफेसर एल के ओड जी की ये पुस्तक है, और ये किताब भी बहुत अच्छी है, ये भी आपको खरीदनी पड़ेगी। बहुत से लोगों के पास है भी, क्योंकि मैं पिछले बरस से ही मेरे पास बहुत काफी फोन आए, तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई थी और मैं सोशल मीडिया पर उसे डालता रहता था। इसके अलावा रमन बिहारी लाल जी की ही एक पुस्तक है, विश्व के श्रेष्ठ शैक्षिक चिंतन। इन सब की लिस्ट मैं बाद में डाल भी दूंगा, फेसबुक पे भी डालूंगा, सर के ग्रुप में भी डालूंगा, आप तब तक देख लें। तो ये भी एक ये पुस्तक आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा एक ये पुस्तक है, ये डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी मैडम मेरी पीएचडी की गाइड हुई है, उनकी है, ये मोटी किताब है, उदयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आर लाल पब्लिकेशन की। इस किताब की खासियत ये है कि इसमें कोटेशन और फैक्चुअल चीजें बहुत सारी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आपको ये भी किताब खरीद लेनी चाहिए। और यदि आपके पास समय है और आप कुछ गहन अध्ययन भी कर सकते हैं, तो एक बेहतरीन किताब है प्रोफेसर केपी पांडे जी की, शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार। इस पुस्तक की थोड़ी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी क्लिष्ट है, समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन है बहुत अच्छी पुस्तक। तो ये फिलोसफी की आपको पुस्तक ले लेनी चाहिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो साइकोलॉजी की पुस्तक है उसमें ये मुख्य रूप से ये चार किताबें हैं जो आपको अपने पास रखनी चाहिए, और बहुत तो सभी के पास लगभग है नहीं ये, चूंकि इनकी हम चर्चा पहले भी करते रहे हैं और सभी तैयारी कर भी रहे हैं नेट एग्जाम्स में, ये
गुप्ता जी की पुस्तक है, ये कल्पलता पांडे जी की और एस एस श्रीवास्तव जी की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है। और इसमें भारतीय दृष्टिकोण से भी मनोविज्ञान की का वर्णन किया गया है, जो कि इंटरव्यू में काफी लाभदायक है। बहुत सारे अच्छे उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा एक वेद किताब आपने सबने पढ़ी है, व्हाइट कवर जो है ए के सिंह की पुस्तक है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा एक पुस्तक है मोहम्मद सुलेमान जी की, ये मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन की है, ये पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट में डालूंगा ही शैक्षिक अनुसंधान के लिए ये लोकेश कोल जी की पुस्तक मैंने पढ़ी है, ये पुस्तक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एच के कपिल जी की किताबें हैं, चूंकि इसमें कैमरा घूम नहीं सकता स्ट्रीमिंग में, लाइव स्ट्रीमिंग में, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा। अगर मैं एक उदाहरण के लिए बता दूं कि आपको कैसे चीजें समझनी है और इन पुस्तकों के पढ़ने के क्या लाभ है, ज्यादा पुस्तकों को, ये किताब है एच के कपिल जी की। जब आप लिखते हैं किसी नल हाइपोथेसिस में कि अंतर सार्थक नहीं है, तो अंतर सार्थक नहीं है, सार्थक शब्द का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट का, ये नल हाइपोथेसिस की अजम्पशन क्या है, तो आप कितनी सारी पुस्तकें पढ़ लीजिए, यहां तक कि ए के सिंह की भी, ए के सिंह की भी आप चाहे पुस्तक पढ़ लीजिए, तो उसमें भी नहीं मिलेगा। ये इन्होंने एच के कपिल जी ने इतना अच्छा समझाया है कि आपको ये बेस चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो मोटी मोटी चीजें पता होती है कि नल हाइपोथेसिस क्या है, लेकिन उसमें जो गूढ़ बातें हैं, उसकी अजम्पशन जो है वो इन्होंने दी है। तो ये एच के कपिल जी की पुस्तक है, ये भी आपको पढ़नी चाहिए, रिसर्च की पुस्तक है। इसके अलावा रिसर्च में एक पुस्तक एच वी गुप्ता जी की ही है, ये सब आपके पास होगी, अनुसंधान संदर्शिका, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और एक बेस किताब जिसके बिना आप रिसर्च आपका आधा अधूरा ही रहेगा, ये ए के सिंह जी की पुस्तक है, रिसर्च की हिंदी की पुस्तक है, शिक्षा अनुसंधान एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकी। इसके अलावा यदि आपके पास समय है तो आप ये पुस्तक है केपी पांडे जी की, शैक्षिक अनुसंधान, आप इसे भी पढ़ सकते हैं, बड़ी अच्छी किताब है। और मैं बताऊं आपसे कि मुझसे एक बार क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था कि लिमिटेशन और डिलिमिटेशन में अंतर बताइए, तो शुक्र था कि मेरे पास ये पहले से पुस्तक थी, और चूंकि मैंने पूरी पुस्तक पढ़ी है तो मैं इसका आंसर अच्छे से दे पाया। इसका जवाब आपको, सबसे अच्छा उत्तर आपको इसमें और प्रोफेसर एस पी गुप्ता जी की पुस्तक में मिलेगा। इसमें भी उन्होंने लिमिटेशन डिलिमिटेशन जैसी छोटी कॉन्सेप्ट, देखने में साधारण लेकिन जब इंटरव्यू में पूछी जाती है और एग्जाम्पल्स के साथ में बताते हैं तो तब बहुत ये मुश्किल लगती है। एक साइकोलॉजी की ये पुस्तक है मेरी रैक में, ये वैसे तो मूल रूप से पुस्तक अनीता वुल्फोक की है, लेकिन इसका ही इंडियन संस्करण है, जिसमें प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा और अरविंद कुमार झा जी दोनों ने मिलकर लिखी है। तो मैं समझता हूँ कि ये पुस्तक भी आपको पढ़नी चाहिए, इससे आपकी नॉलेज बनेगी, ये बेसिक जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन है साइकोलॉजी में, उसके लिए आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें हैं, आपको डेवलपमेंट पढ़ना है तो आपको रमन बिहारी लाल जी की ये पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, आपके पास है भी, बहुत लोगों के पास है। इसके अलावा आप हायर स्टडीज के लिए, ये मेरे पास है, ये शिक्षा के दार्शनिक आधार है, एक अच्छी किताब है, डिमाई साइज में छोटी। इसके अलावा राधा कृष्णन जी की पुस्तकें मेरे पास हैं, ये शिक्षा दर्शन की हैं, हायर स्टडी के लिए मैं पढ़ता हूँ। तो कुल मिलाकर एक लिस्ट में दे दूंगा, और आपके पास अच्छी किताबें होनी चाहिए। ये दूरवर्ती शिक्षा के लिए एस पी गुप्ता जी और सियाराम यादव जी की पुस्तक है, ये आप ले सकते हैं। निर्देशन परामर्श के लिए मैं ये राधा रानी जी की मैंने पुस्तक पढ़ी। शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन के लिए ये पुस्तक है, एक जेपी वर्मा जी की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, और एल के ओड जी की जो पुस्तक है उसमें भी जेपी वर्मा जी का नाम आता है, इन्होंने उसमें भी चैप्टर्स लिखे हैं। इसके अलावा उच्च शैक्षिक प्रशासन एक बहुत अच्छी पुस्तक है, ये एल डी गुप्ता जी की है, हरियाणा साहित्य अकादमी की पुस्तक है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप अनेकों अनेक किताब, सीताराम जायसवाल जी की पुस्तक है, आप ये डॉक्टर सीताराम जायसवाल जी की निर्देशन एवं परामर्श ये पढ़ सकते हैं। तुलनात्मक शिक्षा के लिए ये एस पी चौबे जी की पुस्तक है, तुलनात्मक शिक्षा, ये भी आपके सबके पास लगभग होगी, क्योंकि तुलनात्मक शिक्षा और इस प्रकार के विषय में हमारे पास ज्यादा चॉइस है नहीं। ये पाठ्यक्रम विकास सियाराम यादव जी हैं। अब ये पाठ्यक्रम विकास में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि जी बहुत सारी चीजें हैं जो मिल नहीं पाती हैं, तो
तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको कुछ चीजें इंटरनेट से ढूंढनी पड़ेंगी। नए सिलेबस में शामिल हुई कुछ चीजें इन पुरानी पुस्तकों में, जो कि अभी अपडेट नहीं हुई है, इनमें है नहीं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे सिद्धांत और इस तरह की चीजें करिकुलम डेवलपमेंट के, वो कंस्ट्रक्शन के, वो इनमें नहीं है। वो आपको अभी फिलहाल इंटरनेट से पढ़नी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी के लिए एसवी कुलश्रेष्ठ तो आप पढ़ते ही हैं। इसके इधर एक बहुत अच्छी किताब है प्रोफेसर केपी पांडे जी की, थोड़ी वो एक भाषा थोड़ी इनकी लैंग्वेज की लिस्ट है, आप पढ़ सकते हैं। ये है शिक्षण अधिगम की टेक्नोलॉजी। ये जो किताबें हैं इस प्रकार की, ये किताबें आप इसे डी एंड द सिलेबस है, यानी आपकी नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी किताबें आपके पास होनी चाहिए, इनसे आपका ज्ञानवर्धन होगा। बेशक आपको परीक्षाओं के लिए सिलेबस इसमें ब्रॉड मिलेगा, टू द पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही काम की किताबें हैं, आपके पास होनी चाहिए। इस प्रकार और भी अनेकों किताबें हैं, करिकुलम डेवलपमेंट की किताबें प्रोफेसर एस के पांडे जी की है, पांडा की है, और ये शिप्रा पब्लिकेशन की पुस्तक है। इसमें काफी हद तक कॉन्सेप्ट दी हुई है, आप ऑनलाइन इसे मंगा सकते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट प्रैक्टिस एंड परस्पेक्टिव्स, बहुत अच्छी किताब है। बहुत सारे सिद्धांत जो लोग कहते हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें उन्हें मिल नहीं पाती हैं, तो वो उनका समाधान इस पुस्तक में काफी कुछ हो जाएगा है, लेकिन ये इंग्लिश में पुस्तक। तो इस प्रकार पुस्तकों की पूरी एक जो है सूची है, मैं दे दूंगा। उसके अलावा आप अपने आप भी पढ़ते रहे। जॉन डब्ल्यू बेस्ट की पुस्तक है ये, रिसर्च में इंग्लिश में है, लेकिन बहुत अच्छी पुस्तक है और पढ़नी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान में एक किताब ए के सिंह की, ये मोटी वाली पुस्तक आती है, उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, ये भी आपको अपने पास लेकर रखनी चाहिए। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट इसमें समझाई हुई है। तो किताबों की आप देख ही चुके हैं, मेरे पास है सब। तो किताबों की एक लिस्ट मैं फिर भी इसके अलावा भी मैं आपको भेज दूंगा, इसमें ग्रुप में ही भेजूंगा। तो ये है, ये मेरे पास ये किताबें हैं। बस किताबें तो वही हैं, लेकिन पढ़ने की का जो तरीका है, जो स्ट्रेटजी है, वो आपकी चेंज होनी चाहिए। यानी अध्ययन में आपके नियमितता होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए आप रोज पढ़ें। जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मैंने बताई 21/42 वाली, आप उसे फॉलो करके अपनी हैबिट बनाइए पढ़ने की। रोज आप पढ़िए, तभी आपको इन इस प्रकार की परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। कुछ भी किसी टॉपर में अलग नहीं होता। मैं आपकी की तरह एक सामान्य छात्र रहा हूँ, बल्कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग टॉपर रहे हो अपने परीक्षाओं में, या अच्छी डिवीजन वाले रहे हो। कभी मैं नहीं रहा, लेकिन एक लगन से और नियमित अध्ययन ने मुझे उस राह पर, उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां आज मुझे लेक्चर के लिए आमंत्रित किया गया। तो पुस्तकों के बारे में आपको पता चल चुका है, बहुत सारे आपको प्रश्नों के उत्तर पता चल चुके हैं। देख लेता हूँ कि आपको कुछ और ऐसा प्रश्न है जिसका यहाँ पे अनिवार्य है, जिसके बारे में बात करनी। तो ये जीएस वाले पार्ट की तैयारी कैसे करें, एक प्रश्न ये था। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो जीके आती है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, वो दो तरह की आती है, स्टैटिक जीके और डायनामिक जीके। स्टैटिक जीके यानी स्थिर, जो बदलती नहीं है, संविधान के अनुच्छेद वगैरह है, हमारी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो एक तो ये वाली जीके हो गई, और दूसरी डायनामिक जीके यानी डायनामिक जीके करंट जीके। अब आपको ये स्ट्रेटजी बनानी है कि जो स्टैटिक जीके है उसको आप ल्यूसेंट से, अरिहंत से, किसी भी किताब से पढ़ सकते हो। बेस है असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसमें बहुत ज्यादा उसकी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, ना बहुत ज्यादा ब्रॉड आती है। आपको ल्यूसेंट से या अरिहंत से काम चल जाएगा। जो डायनामिक जीके है, उसके लिए आप किसी अच्छे प्रकाशन की वार्षिकांक ले लीजिए, जैसे दृष्टि का जो वार्षिकांक आता है, या समसामयिक घटना चक्र का कोई वार्षिकांक है, आप उसे ले लीजिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यानी स्टैटिक जीके और करंट जीके, दोनों को साथ साथ तैयार करिए। बहुत ज्यादा हेडक लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपको केवल इसमें 20 के आसपास अंक लाने हैं, क्वेश्चन ठीक करने हैं 30 में से, और आपको जो बढ़त दिलाएगा, आपको जो उस परीक्षा में चयन कराएगा, वो आपका विषय शिक्षा शास्त्र ही होगा। और मैं बताना चाहूंगा कि हम में से जो इस समय लोग इस मंच पे सुन भी रहे हैं मुझे, मात्र 2-3% ऐसे होंगे जिन जो टीसीएस की तैयारी में भी उतने ही निपुण हैं और शिक्षा शास्त्र विषय में भी उतने निपुण हैं। यानी
यदि शिक्षा शास्त्र में निपुण है तो उसकी जीके कम होगी, और यदि वो पीसीएस की तैयारी कर रहा है जीके से निपुण है तो हो सकता है उसका शिक्षा शास्त्र कम हो। तो आप बैलेंस बनाइए। और अंततः मैं यही बताना चाहूंगा कि जो जो आपको लीड दिलाएगा वो आपका विषय एजुकेशन ही दिलाएगा। तो एक बैलेंस जीके में रखिए, बहुत ज्यादा जीके की हेडक लेने की आवश्यकता नहीं है। 20 के आसपास आपको प्रश्न ठीक करने हैं। जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहां आप आराम से, मुझे ऐसा लगता है कि 20 क्वेश्चन आप 15 और 20 के बीच में आप कर देंगे। तो ये आपका जो है जीके की तैयारी का है। अब आपने पूछा कि एक मैंने पूछा था रुचि जाधव मैडम है कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सी होती है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अब एक बड़े प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग हैं। तो एक तरह से ये स्ट्रेटजी जो है, जो जो मेरे राज हैं वो आपको पता चल रहा है। मैं अपना राज बता रहा हूँ एक तरह से। वो ये है कि जो आप सिलेबस उठाते हैं और सिलेबस में जब आप अंत की तरफ चलते चले जाते हैं, लास्ट में जाएंगे लास्ट में जाएंगे, तो आपको कैसे विषय मिलेंगे? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल एजुकेशन, चलिए स्पेशल एजुकेशन काफी चर्चित है फिर भी, उसमें आपको नीचे मिलेगा ये करिकुलम डेवलपमेंट। इस प्रकार के कुछ विषय मिलते हैं जिन्हें हम ट्रेडिशनल क्लास में नहीं पढ़ते हैं। हमने बीएड में नहीं पढ़े ठीक से, हमने एमएड में नहीं पढ़े, और वो यहाँ सिलेबस में आ जाते हैं। तो जिन एक तो लोगों का अध्ययन ही नियमित नहीं है, पहले से ही वो रोज 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 पढ़ नहीं रहे हैं, ऊपर से परीक्षा पास आ गई है, उनके पास अपना जो मेन विषय है कोर करिकुलम वाले फिलोसफी साइकोलॉजी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ये सब, वो इन्हीं का ही सिलेबस इतना है कि वो उसे ही कवर नहीं कर पा रहे। तो वो क्या गलती करते हैं कि ये तो विषय वैसे ही कम पढ़े हैं, अब समय भी कम है तो उनकी तरफ बहुत ही कम ध्यान दे पाते हैं। तो मैं ये स्ट्रेटजी बनाता था कि 90% लोग इन लास्ट वाले विषय को बहुत कम पढ़ के जाएंगे। तो मैं सबसे पहले खाली समय में, जब फ्री, जब कोई एग्जाम नहीं होता था, मैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, करिकुलम डेवलपमेंट और ये स्पेशल एजुकेशन, इस प्रकार के विषयों को मैं ही समय बिताता था। क्योंकि कोर विषय तो हम बीएड में पढ़ाए, एमएड में पढ़ाए, नेट के लिए पढ़े, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बार 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 पढ़ते जा रहे हैं, वही छूट जाते थे। और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लोक सेवा आयोग की बीएड की परीक्षा 2017 वाली मैंने टॉप किया असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, इसमें इंटरव्यू में शुक्ला सर थे बीएचयू के, शायद पीसी शुक्ला सर, हाँ पीसी शुक्ला सर ही थे। मुंह पे मास्क लगाया हुआ था, 12 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था। तो उन्होंने मुझसे स्पेशल एजुकेशन के ही क्वेश्चन पूछे सारे, और लास्ट में जब उनका इंटरव्यू उन्होंने पूछ लिया, जितने उन्हें प्रश्न पूछने थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आपका स्पेशल एजुकेशन कोई विशेष विषय रहा, आपने स्पेशल एजुकेशन में पढ़ाई की? मैंने कहा नहीं सर, अन्य विषयों के समान ही मैं इस विषय को तैयार करके आया हूँ। अब इंटरव्यू में इतने बड़े एक्सपर्ट के सामने ये कमेंट लेना कि क्या आप स्पेशलाइज हैं इस विषय में, स्पेशलिस्ट हैं इसके विषय के, ये मेरा इस विषय पे भी पहला फोकस था, पहले से ही जो चलता रहा फोकस था उसका परिणाम था ये। यानी मैंने सारे विषयों को शुरू से, मेरी स्ट्रेटजी रही कि जिन विषयों पर लोग ध्यान नहीं देते, केवल आंख आंख के सामने से उनके किताबों के पर्चे घुमाकर खुद ये सोच लेते हैं कि हमारी तो ये तैयारी हो गई इस विषय की, उनसे कैसे बढ़ाई वो बढ़त लेनी है, वो उन विषयों पर भी मैंने फोकस रखा। तो आपको एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, करिकुलम डेवलपमेंट, स्पेशल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, जो डेवलपमेंट के हिस्से हैं आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इन इस प्रकार के टॉपिक्स को औरों से अच्छा करना पड़ेगा, तब आप बढ़त लेंगे। कोर विषय को 80% 90% लोग कोर विषय को ही पढ़ते हैं और उसी पे ही वो रह जाते हैं, अन्य विषयों को वो कम पढ़ पाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में बताना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट सभी इम्पोर्टेंट है, मैं विषय इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि आपको बढ़त लेने के लिए वो बाद वाले जो विषय हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उन पे ज्यादा फोकस करिए। फिर है ये टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपसे बताना चाहूंगा दो बातें, और एक दूसरी ये कि लोग कहते हैं कि अमुक विषय को कितना समय दें, फला विषय को कितना पढ़े, इस प्रकार के दो क्वेश्चन है टाइम मैनेजमेंट वाले। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है, और पढ़ने का समय, किस समय ज्यादा पढ़े, रात के समय सुबह के समय, ये दोनों प्रश्न अत्यंत व्यक्तिगत हैं, और आप अपने समय को और अपने शरीर को सबसे बेहतर जानते हैं। तो
वो समय देखिए, जब आप समय पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं तो उस समय आप अपना टाइम किन किन कामों से आप अपना समय बचा सकते हैं और कहाँ किस समय आप पढ़ सकते हैं वो आप ही जान सकते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा बस कि 3 से 4 घंटे, 3 घंटे भी एनफ है अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो 3 से 4 घंटे आपको रोज पढ़ना है, समय अपने आप ही निकालना, क्योंकि आपकी दिनचर्या का मुझे नहीं पता, हो सकता आपको ही पता है। दूसरा, किस समय पढ़ना है, तो मैं बताऊं कि मैं रात को ज्यादा जाग नहीं पाता हूँ और बहुत ज्यादा मैं रात तक पढ़ नहीं पाता हूँ, तो मैं रात को तो हद से अगर मैं खूब पढ़ूं, मन लगाकर जागकर पढ़ूं, तो मैं 12 बजे तक से, 12 से पहले ही या 12 बजे तक ही पढ़ सकता हूँ। जबकि मैं दिन में या सुबह के समय उठकर बहुत अच्छे से सुबह 4 बजे उठ के और लास्ट तक 10 बजे तक, 11 बजे तक लगातार पढ़ सकता हूँ। तो मेरे लिए जो है वो समय है रात को कम पढ़ना और सुबह के समय या दिन में पढ़ना। हो सकता है आपका उल्टा होता हो कि भाई आप दिन के मुकाबले आप रात में जाग सकते हो, अच्छा तो आप रात को ज्यादा पढ़ सकते हैं। तो ये समय पढ़ने का क्या हो, ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये व्यक्तिगत प्रश्न है। और एक प्रश्न अमित शर्मा जी ने कहा कि हाउ यू बैलेंस बिटवीन फैमिली जॉब एंड स्टडी, तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरी सफलता में मेरी धर्म पत्नी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि उसे भी बड़ी लगन थी कि मैं प्रोफेसर की वाइफ कहलाऊं, तो वो मुझे फ्री रखती थी, वो मुझसे कहती थी कि आप पढ़िए और घर का काम और बच्चों को मैं संभालती हूँ। तो घर की तरफ से सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, तभी आप अपना अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा ये कि जॉब और स्टडी में तो कुछ है ही नहीं, मैं बता ही चुका पहले कि आप अपनी जॉब के समय को देखिए और जो उसके बाद घर पर समय आपको मिलता है आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, आप उसको देखिए और उससे आप पढ़िए। तो बताना चाहूंगा कि मैं आज तक कहीं घूमने तक नहीं गया और मेरी पत्नी ने आज तक पहाड़ नहीं देखे हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, वो उसे लगता था कि अभी पढ़ाई है, परीक्षाएं हैं, पहले कुछ हो जाए और उसके बाद घूमना फिरना, तब सब अच्छा लगेगा, जब हम कुछ अचीव कर लेंगे, कुछ बन जाएंगे। तो अब आज आज भगवान ने, ईश्वर की कृपा से ऐसी स्थिति है हम कहीं भी घूम सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं, कोई चिंता नहीं थी करनी, क्योंकि जो मंजिल चाहते थे वो सब मंजिल मिल गई है। तो ये मैंने देखा कि लोग घूमते बहुत ज्यादा है, तो मैं सोचता हूँ कई बार कि बहुत दिलबाज लोग हैं कि अभी जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, जो एम बनाए थे वो अचीव हुए नहीं हैं, और ये कैसे इतना इतना लंबा समय घूमने में निकाल देते हैं। मुझे आश्चर्य होता था, क्योंकि मुझे तो, मैं कहीं चला जाऊं 4 घंटे बर्बाद कराऊं तो मुझे तो तभी एंजाइटी होने लगती थी कि भाई मैं अपने 4 घंटे क्यों बर्बाद कर दिए। तो मेरी इन बातों में ये भी आप छुपा हुआ है, समझ रहे होंगे कि कितनी लगन थी मुझे, कितनी तीव्रता थी अपने लक्ष्य को, असिस्टेंट प्रोफेसर के लक्ष्य को पाने की, कि मैं घूमने तक कहीं नहीं गया और आज जब आप कुछ पा लेते हैं, बन जाते हैं, आप कहीं भी घूमिए, तो इस तरह से फैमिली से सपोर्ट मिला तो मैं पढ़ता रहा, वाइफ की तरफ से मुझे काफी मिला। और ये क्वेश्चन है कितना टाइम किस विषय को दे, और ये प्रदीप यादव है मेरे छोटे भाई समान है, बहुत होशियार है, उन्होंने मुझसे पूछा सर कितना टाइम किस विषय को दें। तो प्रदीप मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने रिवीजन के लिए ये पूछा है कि कितना टाइम किसे दें, या आपने ये पूछा है कि नोट्स बनाने के लिए कितना दें, तो दोनों बातें आपकी स्टडी पर निर्भर करती हैं। अब जैसे मैं बताऊं आपको, मोटा मोटा एक अनुमान बताऊं, क्योंकि मुझे इतना लंबा समय तैयारी करते हुए हो गया है, कि आपको एजुकेशन के टोटल नोट्स बनाने में सभी विषयों के, मेरे हिसाब से लगभग, अगर कोई व्यक्ति आज शुरू करे कि मैं नोट्स बनाऊंगा सभी विषयों के, मेरे पास नोट्स नहीं है, तो आपको लगभग लगभग 6 से 8 माह का समय लगेगा, केवल और केवल नोट्स बनाने में 8 महीने का समय। अब रिवीजन फिर उसका, जैसे परीक्षा से पहले आप है, तो अब जब ये प्रश्न मुझसे पूछा जाता है कोई, सर आप कैसे पढ़ते हैं, कितना समय देते हैं, तो मुझे बहुत बेकार प्रश्न लगता है। क्यों? मैं अपना व्यक्तिगत कह रहा हूँ, आपका प्रश्न आपके लिए ठीक है, क्योंकि मैं तो नियमित पढ़ता हूँ,
तो मुझे किसी विषय को समय में बांधने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती कि मुझे फिलोसफी 4 दिन पढ़नी है, डेवलपमेंट 6 दिन पढ़ना, पूरे साल भर स्टडी चलती रहती है। जब पेपर आएगा रिवीजन करेंगे बस, कोई 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 अलग से कुछ टाइम देना ही नहीं है। तो अगर आप नियमित अध्ययन करते हैं तो आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं होगी कि अमुक विषय को कितना समय देना है। तो विषय तो आपके तैयार पड़े रहेंगे, आपका परीक्षा ही आप रिविजन करेंगे और दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि पेपर से पहले आपको करना क्या है। जब भी एग्जाम की डेट आ जाती है तो आप यदि नौकरी में हैं तो तुरंत आंख बंद करके मेडिकल या छुट्टी CLPL जो भी आपको मिलती है तुरंत ले लीजिए। हर एग्जाम से पहले मैं 15 से 20 दिन का मेडिकल लेता हूँ, यानी अब तक की 5 साल की नौकरी में मैं कई माह का मेडिकल ले चुका हूँ। और मुझे आश्चर्य होता है कि लोग मेडिकल लेने से डरते हैं। प्राइमरी में एग्जाम सिर पे है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं लेकिन मेडिकल के लिए अप्लाई नहीं करते, कहीं तनख्वाह रुक जाए, कहीं कोई खंड शिक्षा अधिकारी उनका कुछ नुकसान कर दे, कुछ पैसे मांग ले। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं सोची। मैं सोचता था कि मेरा 1 महीने का वेतन रुक जाएगा और दोबारा इसे शुरू करवाने में निकलवाने में 5,000 रुपये लग जाएंगे, लग जाए इन 15 दिन तो मैं जाऊंगा ही नहीं। तो पेपर से लगभग 15 दिन पहले, और जो बहुत ही हेक्टिक प्राइवेट नौकरी में जहाँ छुट्टी मिलती नहीं है तो 10 दिन तो कम से कम चाहिए। पेपर से 10 दिन पहले और 15 दिन पहले सरकारी या 20 दिन पहले सरकारी नौकरी वाले को अवकाश ले लेना है और पूरे दिन डिवोटी होकर पेपर की तैयारी करनी है। मेरी खूब अच्छी तैयारी रहती थी लेकिन फिर भी मैं 15 से 20 दिन का मेडिकल ले लेता था, छुट्टी ले लेता था और तैयारी करता था। उस तैयारी का कोई आपका सानी नहीं है, आपको कोई नहीं हरा सकता। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे पेपर से 15 दिन पहले, जब आप लग जाएंगे पेपर तक तैयारी करे जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि इससे पहले भी आपका नियमित अध्ययन होना चाहिए, नहीं तो मैं लिख के दे रहा हूं, आप लिख लो और कोई मुझे चैलेंज कर देना बाद में कि 15 दिन में अगर सिलेबस आप पूरा कर लो, 15 दिन में भी आप सिलेबस पूरा कर ही नहीं पाओगे। 15 दिन की छुट्टियों में पूरे पूरे दिन पढ़ के भी आप तभी सिलेबस पूरा कर पाओगे जब आपकी पुरानी स्टडी अच्छी होगी और आप लगातार पढ़ते जा रहे होगे। तो यानी आप 15 दिन वो आपको बहुत अच्छे रहेंगे आप यदि आप नियमित अध्ययन करते हैं। दूसरी बात कि पेपर से 4 दिन पहले या 3 दिन पहले, मेरा ऐसा मानना है कि आप जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर फोकस करेंगे वो अच्छा रहेगा। यानी सिलेबस आप पहले ही पूरा कर ले और पेपर से 3 से 4 दिन पहले आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल करें, और कहीं कुछ दिक्कत आती है किसी प्रश्न में तो वहां उस क्वेश्चन से उस सिलेबस में उस कॉन्सेप्ट का आप जाए। तो पेपर से 3 4 दिन पहले केवल और केवल आपको क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ ही आपको सुबह के समय कच्ची नींद में वो क्वेश्चन दिखाई दे, वो क्वेश्चन याद आए सोते समय। यदि जब आपके साथ ऐसा होने लगेगा तो इसका मतलब आपकी स्टडी जितनी होनी चाहिए उतनी चल रही है, आप बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं। यदि किसी व्यक्ति को सोते हुए क्वेश्चन दिखाई देने लगे तो मेरा लंबा अनुभव है, तो इसका मतलब उसकी पढ़ाई खूब अच्छी तरह से चल रही है, पावर पैक्ड है बिल्कुल। तो आपको ये ध्यान रखना है पेपर से 3 4 दिन पहले लगातार क्वेश्चन हल करने हैं, वो क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में घूमते रहेंगे और वो हेल्प करेंगे आपको पेपर में क्वेश्चन हल करने में। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और मोटिवेट रह सकते हैं। हमेशा याद रखिए मेरी एक बात कि कठिन परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। जो लोग असफल होते हैं उनकी असफलता में कई कारक हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि तैयारी की कमी हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ा हाथ हमारी स्ट्रेटजी का और तैयारी करने के तरीके में होता है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो योग्य तो हैं, अभी इस मंच पर मुझे बहुत सारे लोग सुन रहे हैं ऐसे तो बहुत योग्य हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरह से पढ़ाई करी है, लेकिन वो नियमित अध्ययन और जितना परिश्रम रोज चाहिए उतना न कर पाने की वजह से वो उस गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। मैं आश्चर्यचकित रहता हूँ मैं कि उनमें सामर्थ्य है लेकिन नियमित अध्ययन और रोज की पढ़ाई न कर पाने की वजह से वो उसे अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि आपको कठिन परिश्रम करना है, और कठिन परिश्रम किसमें छुपा हुआ है, नियमित अध्ययन में। यही तो है, नियमित अध्ययन का ही नाम तो कठिन परिश्रम है। आप रोज पढ़ते हैं, रोज मेहनत करते हैं तो आप कठिन परिश्रम कर रहे हैं, तो आपका ये कठिन परिश्रम अगर आप करते हैं तो बेकार नहीं जाएगा।
थोड़ा थोड़ा पढ़कर, आज पढ़े कल नहीं पढ़े फिर 4 दिन पढ़े, इस तरह से पढ़कर आंखों के सामने किताबों को ये घुमाकर, पेज पलटकर, 2-3 घंटे बैठकर, मन में कहीं चल रहा है और आप स्टडी टेबल पे बैठे, ऐसा सोचकर अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो ये अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। बहुत मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि इसमें बहुत असफल लोग भी हैं। मैं असफल भी मैं हुआ हूँ। मेरा 46 में चयन नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया था लेकिन पास हुआ लेकिन नहीं हुआ। डाइट में चयन नहीं हुआ मेरा, इससे पहले एक बार पीजीटी में चयन नहीं हुआ था, बाद में तो मैं 2 बार ठोकर रहा। जब मैं सोचता हूँ कि मैं असफल क्यों हुआ, तो साफ साफ यह जो है स्पष्ट हो जाता है कि मेरी वो तैयारी उतनी शिद्दत के साथ मन से नहीं थी। हालांकि ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। आप में से जो कुछ लोग सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं है, हम तो बहुत पढ़ते हैं फिर भी हम नहीं कर पाए। नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है। यदि नियमित अध्ययन होता और कठिन परिश्रम होता तो शायद परिस्थितियां या रिजल्ट कुछ बेहतर हो सकता था। तो हम कई बार धोखे में रहते हैं क्योंकि हम सामर्थ्यवान हैं। बहुत लोग हैं इस ग्रुप, अभी जो इस समय ये लाइव स्ट्रीमिंग सुन रहे हैं, बहुत लोग हैं जो सामर्थ्यवान है, कर सकते हैं, लेकिन वो कमी कर जाते हैं। कमी नियमित अध्ययन की हो, चाहे वो अन्य पेपर के पास कुछ गलतियां हो, कर जाते हैं, तो जिससे असफलता होती है। फिर हम सिस्टम को, सरकारों को, प्रश्न पत्र को दोष देते हैं। प्रश्न पत्र का भी है दो मेरी रैंक में। तो ये आपको नियमित अध्ययन जो है करना पड़ेगा और योग्यता के साथ, सामर्थ्य के साथ ये रेगुलरिटी आपने आपको लानी पड़ेगी। मैं नितिन त्यागी, अभी अंत करते हुए मैं ये फिर कहना चाहूंगा कि यदि आप नियमित अध्ययन करते हैं, रोज पढ़ते हैं लक्ष्य बनाकर, तो आपको चयनित होने से, टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। मैं एक साधारण आदमी, साधारण छात्र, केवल नियमित अध्ययन से कुछ मेरे पास नहीं। जब लोग बात करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, हंसता हूँ मैं, तो वो इस दृष्टिकोण से करते हैं कि इसके पास कुछ मसाला होगा, कुछ पुड़िया होगी, कुछ ऐसी किताबें होंगी, नोट्स होंगे जिससे इसने टॉप कर दिया, कुछ हमें मिल जाए, तो मैं हंसता हूँ। कुछ भी नहीं है, केवल नियमित अध्ययन, रेगुलर स्टडी, रोज टेबल पे बैठना, रोज 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना, यही यही मेरी सफलता का राज है। तो ये आप करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। अंत में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। हालांकि मैं काफी प्रश्न इसमें शामिल कर चुका हूँ। मन में लगन रखिए, कुछ बनना आप चाहते हैं वो आप जो है उस पर अडिग रहिए, मेहनत करिए। अंत में मैं सोमू सर को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय सोमू सर ने ऐसा अवसर मुझे दिया, इतने लोगों के सामने मैं अपनी बात रख पाया, यह मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं आप सभी से फिर कहना चाहूंगा कि नियमित अध्ययन करिए, कठिन परिश्रम करिए, ईमानदारी के साथ अपना लक्ष्य बनाइए, खुद को धोखा मत दीजिए, अपने आप को उलझाइए मत। क्लियर कट आपको रोज अपना समय निर्धारित कीजिए, अध्ययन के घंटे निर्धारित कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। कोरोना के समय में सर की जो ये व्याख्यान माला है, जिसमें अभी और विद्वान आने वाले हैं, आप नियमित रूप से, क्योंकि सभी बड़े अनुभव और अपने क्षेत्र के मानीगर हैं, तो आप उनका लाभ उठाइए, आप सुनिए। ये ऐसी मेरी जो है आपसे कामना है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, बहुत 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 धन्यवाद नितिन जी। और सफल होने वाले लोगों की जब हम स्टोरी सुनते हैं, पढ़ते हैं या साक्षात्कार सुनते हैं, विशेष रूप से जो टॉपर्स हैं, तो कुछ बातें कॉमन निकल करके आती हैं। वो आज भी हमें लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सरल तरीके से, बहुत प्रभावशाली तरीके से, और बहुत खुश होकर के जो आपने शेयर की हैं चीज़ें। मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ रहा था, बहुत सारे कमेंट मैंने शेयर भी किए स्क्रीन पर, जिससे कि बाकी लोग देखें, और क्वेश्चंस भी मैंने जी शेयर किए। निश्चित रूप से एक आम विद्यार्थी के जीवन में अगर ये जो चीज़ जो आपने कही है, नियमित अध्ययन अगर जुड़ जाए, उसके पास एक योजना हो, योजनाबद्ध तरीके से वो काम करे, और संसाधन भी पर्याप्त हो, यानी कि जो पुस्तकें आपने दिखाई हैं और बड़े पवित्र मन से दिखाई है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बताने के लिए हम इन पुस्तकों का नाम बता दें, पढ़े भले ही हम इनसे हैं, ये बहुत बड़ी एक टेंडेंसी दिखती है लोगों में। तो जो आपकी धन्यवाद सर। प्योरिटी है, प्योरिटी
सिक्योरिटी है ना, यही आपको बहुत ऊंचाई तक ले गई। साथ ही साथ आपके परिवार ने भी त्याग किया है, जो आपने कहा ना कि मैं भी, वाइफ ने कहा मेरे पर कभी पहाड़ नहीं देखे। निश्चित रूप से ये जब मैं सुना तो मुझे, मैं इमोशनल हो गया कुछ देर के लिए, कि एक बड़ी सफलता में, एक बड़ी सफलता में आप अकेले कारक नहीं होते हैं, उसमें इतने लोग हैं जो आपके लिए, आपके फैसिलिटेट कर रहे हैं आपको कि आप करिए, आपको कहीं बहुत आगे जाना है। अब आपके पास बहुत समय है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को भविष्य में यात्रा में खर्च कर सकते हैं और अपने हिसाब से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है और बहुत से लोग जो सुने इसको, उन सबका भी जो निष्कर्ष यही है, ये जो आपका व्याख्यान है बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही इंस्पिरेशन देने वाला रहा है, और इस तरह इसको हम कह सकते हैं कि बहुत इफेक्टिव है। और आपने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और इतना समय दिया और पूरी तैयारी के साथ आपने वो दिखा दिया जो आप कर रहे हैं, आप अपना बुक का बुक सेल्फ आपने दिखाया है। तो इतनी इतनी सच्चाई के साथ बात रखने से जो इम्पैक्ट पड़ता है वो अद्भुत होता है। निश्चित रूप से जो आम विद्यार्थी हमारे हैं, गाँव में हैं, छोटे शहरों में हैं, छोटे जिलों में हैं, जिनके जिनके बड़े बड़े सपने हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में या मोटिवेशनल स्टोरी है अपने लक्ष्यों को हासिल करने में बहुत मदद मिलेगी। आपके काफ़ी मित्र हैं जिन्होंने काफ़ी रोचक कमेंट भी लिखे हैं, आप फुर्सत में पढ़िएगा, आनंद आएगा। तो टीचर एजुकेटर्स कम्युनिटी की ओर से, अपने सारे मेंबर्स की ओर से और जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े उन सब की ओर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि आपने निस्वार्थ भाव से जो समय निकाला और मार्गदर्शन करने का निर्णय लिया। विद्यार्थियों को ये बहुत काम आएगा, आपका छोटा सा योगदान किसी न किसी के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इसी शुभकामना के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रमों की, अगले व्याख्यानों की सूचना हमारे इस फेसबुक ग्रुप पर आपको मिलती रहेगी, आप जुड़े रहें। और आपके पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मोटिवेट कर सकता है किसी भी मामले में, सीटेट इसने कई बार क्वालिफाई किया हो, और भी चीज़ों में किसी को मोटिवेट कर सकता है, जिसके पास कहने का अच्छा तरीका है, जिसने वाकई संघर्ष करके कुछ बड़ा हासिल किया है, हमें भेजें उसके उसके संपर्क सूत्र, हमसे जुड़ें, हम उसको एक प्लेटफॉर्म दे सकें। हमारा प्लेटफॉर्म उसी के लिए है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मोटिवेट कर सकें, एकेडमिक हेल्प दे सकें, और यही हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद रहने के लिए, हमें सुनने के लिए। फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।